Hi everyone, welcome to current crunch. तो हम कवर करने वाले हैं हमारा ठीक है, तो ये एक कम सीरीज होगी मैराथन कम रिविजन इसमें हम क्या करेंगे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं उस वो सबको हम क्विकली इसमें रिवाइज करेंगे तो हमारा स्पेशलाइजेशन का पार्ट जो है वो कम्प्लीट हो गया है एंड अभी रिविजन सीरीज चलेगी तो एक इनके लिए हेल्पफुल होगा मेरे ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सारे लेक्चर्स मेरे अभी तक देखे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ठीक है ठीके? तो उनके लिए रिलिजन जो ये सॉरी रिलिजन नहीं रिविजन सीरीज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी एंड अगर आपने अभी तक मेरी पूरी सीरीज नहीं देखी है फर्स्ट लेक्चर भी अभी आपने नहीं देखा है तो पहले आप क्या करें मेरी स्पेशलाइजेशन वाली प्ले में जाए एंड ये जो सारे लेक्चर्स हैं एटलीस्ट जिसमें फर्स्ट यूनिट कवर्ड है वो लेक्चर्स आप देखें उसके बाद ये जो रिविजन सीरीज है आप ये आराम से देख सकते हैं एंड अगर कोई ये वीडियो तब देख रहा है जब एग्जाम को जस्ट टू या थ्री डेज रह गए हैं या एक वीक रह गया है जब स्टार्टिंग उस से उसके लिए सारा पढ़ना मुश्किल है तो भी आप एटलीस्ट एक एग्जाम से पहले ही रिविजन सीरीज जो है वो देख के जा सकते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें मैराथन कम रिविजन तो ये मैराथन है ये लंबा होने वाला है सेशन तो मुझे ये नहीं कहना कि मैं कम जो है टाइम में कंप्लीट करूं या मैं पार्ट्स में लेके आऊं मैं कोशिश करूंगी हम एक यूनिट जो है वो एक वीडियो में ही कवर करें अब अगर आपके पास टाइम का इश्यू है तो आप हाफ पार्ट्स में देख सकते हो एक दिन हाफ एन आवर देख लो अगले दिन दूसरा हाफ एन आवर देख लो वैसे करके आपको मैनेज करना होगा सेकेंडली मैंने टेक्स्ट पोल कंडक्ट किया था अपने कम्युनिटी टैब पे जहां पे मैंने आपको कहा था कि पीडीएफ से मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा या व्हाइट बोर्ड से तो ज्यादा वोट्स के बेसिस पे मैं व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड ही कंसिडर कर रही हूँ लेकिन कई स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि उनने ऑलरेडी रिटन नोट्स बनाए हैं व्हाइट बोर्ड से उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो इसीलिए मैंने क्या किया है ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है तो यहाँ से हम अपना रिविजन जो है वो जल्दी कर लेंगे अब मैं ये डायरेक्टली आपको पी से क्यों नहीं पढ़ा रही क्योंकि इससे आपको थोड़ा ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर अभी भी कोई नोट्स बनाना चाहता है तो वो कॉपी और पेन लेके बैठे और जैसे मैंने नोट्स बनाया है बिल्कुल वैसे नोट्स बनाए तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा हां उसके जो नोट्स हैं पॉइंटर फॉर्म में वो भी तैयार हो जाएंगे ठीक है तो ये एक इलाबरेट ये नहीं होगा वीडियो वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कवर्ड है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखनी होगी अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना है ये एक रिवीजन सीरीज होने वाली है पहले ये वाली चीजें मैं क्लियर कर दूं तो देखते हैं सोशियोलॉजी से सोशियोलॉजी होता कहते दिस इज योर साइंस ऑफ सोसाइटी आप इसको बोलते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है उसमें सोशेस जो है वो लैटिन है एंड लोगोस जो है वो ग्रीक है सोशे का मतलब होता है कंपेनियन एंड लोगों का मतलब होता है स्टडी रीजन और साइंस ठीक है कंपेनियन क्या होता है आपका बिल्कुल जो इसका इंग्लिश मीनिंग है आपका ब्रदरहुड दोस्ती यारी कंपेनियन इकट्ठे रहना वो सारा आप कहाँ से डिराइव करते हो सोश से तो आप इसको इन शॉर्ट बोल सकते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है फाइन जब हमने साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी बोला दैट मीन्स सोसाइटी को आपको किसी फ्रेमवर्क कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत स्टडी करना है ऐसा नहीं आप Uh, अपनी सोसाइटी या जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ जाके तांका जा करो एंड सबकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखो तो आप भी एक सोशोलॉजिस्ट बन जाओगे नहीं आपको साइंटिफिकली जो भी आप बातें बोलते हो सोसाइटी की जैसे फैमिली की थियोरीज हमने देखी हैं हमने रिलिजन थियोरीज देखी हैं बहुत सारी चीज़ों की हमने सोशल चेंज की थियोरीज देखी हैं वो चीज़ें आपको किसी एक फ्रेमवर्क के अंडर बनानी है एंड उन चीजों के प्रूफ में भी आपको अपनी रिसर्च जो है कंडक्ट करनी है आपको उन चीजों का प्रूफ भी देना है ठीक है कि आपने वो स्टडी कहाँ पे कैसे कंडक्ट करी है तो इस वजह से उसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी बोला जाता है सोसाइटी है ये एसेंशियल है फॉर ह्यूमन लाइफ ये क्यों एसेंशियल है क्योंकि इंसान जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकता ठीक है उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल साथ उसके रहना जरूरी है वो बनाती है आपकी सोसाइटी एंड ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म है एक वाइडर एक्सप्रेशन है हम एब्स्ट्रैक्ट इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कंक्रीट फॉर्म में आपके सामने नहीं आती हम ये नहीं कहते कि उस एरिया में वन किलोमीटर के अंदर जो एरिया है वहां पर जो लोग प्रेजेंट है वो सिर्फ सोसाइटी है ठीक है उसके लिए हम सोसाइटी यूज नहीं करते हम इसको बड़े टर्म के लिए यूज करते हैं वाइडर कॉनोटेशन है वाइडर एक्सप्रेशन है इस में आपके इंस्टीट्यूशन आते हैं लोगों का पैटर्न ऑफ इंटरक्शन आता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म वैल्यूज जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं वो सारा आपका पार्ट ऑफ सोसाइटी आता है ठीक है तो ये हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसायटी नेक्स्ट देखा था अपने नोट पे ग्रुप ऑफ पीपल मैंने कहा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेरनेस इंटरेक्शन जरूरी है ऐसा थोड़ी ग्रुप ऑफ पीपल है तो अपनी अपनी मर्जी करेंगे कोई किससे बात नहीं करेगा ऐसा नहीं होता है हमें सोसाइटी में इंटरेक्ट करना इंपॉर्टेंट है जिन लोग हैं उन लोगों के साथ बातचीत करना जरूरी है म्यूचुअल अवेयरनेस होना जरूरी है अवेयरनेस इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके कोई सोसाइटी मेंबर हैं आपके नेबर्स हैं फॉर एग्जांपल आपको उनके साथ कैसे बात करनी है आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए उनकी तरफ और उनका क्या होना चाहिए आपकी तरफ जैसे मैं आपकी टीचर हूँ आपको पता होना चाहिए टीचर से कैसे बात करते हैं एंड इन रिप्लाई मुझे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट से कैसे बात करते हैं एक क्लासरूम में अगर टीचर स्टूडेंट ही सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा जो एक नॉर्म सेट है स्टैंडर्ड उनके अकॉर्डिंग तो क्लासरूम एग्जिस्ट नहीं करेगी ना टीचर जो स्टूडेंट है वो टीचर को ऐसे उठ के जवाब नहीं दे सकता ये स्टूडेंट इट वुड बी वेरी अनबिकमिंग ऑफ ऑर स्टूडेंट तो इसलिए म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए दोनों रिलेशन में जब एक क्लासरूम सर्वाइव नहीं कर सकेगी अगर टीचर स्टूडेंट अवेयर ना हो कि हमें कैसे इंटरैक्ट करना है अब इसको बड़े लेवल पर देखो एक सोसाइटी का सर्वाइव करना कैसे पॉसिबल होगा जब तक एक अवेयरनेस ना हो कि मेम्बर्स को आपस में कैसे इंटरेक्ट करना है लाइकनेस पे भी बेस्ड है डिफरेंस सोसाइटी में आप सिर्फ लाइकनेस नहीं देखोगे आप डिफरेंसेस भी देखोगे कॉन्फ्लिक्ट भी देखोगे कॉपरेशन भी देखोगे सारा देखोगे है डिविजन ऑफ लेबर है डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है हम एक कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड कर देते हैं वेरियस सिंपलर टास्क में ठीक है तो मैंने नोट्स में अपने वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है डिटेल है वहां से देख सकते हैं तो डिविजन ऑफ लेबर है सोसाइटी में जैसे हमें पता है सोसाइटी का एक जनरल फ्रेमवर्क क्या है अगर हम बात करें सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर की जो मेन है दे गो एंड अर्न ठीक है तो उन वो ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली होते हैं एंड जो वेमेन होती है वो पीछे दे टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड तो ये बेसिक एक डिविजन है जो सोसाइटी में एग्जिट करता है तो आपको सोसाइटी में डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा इंटर डिपेंडेंस है हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है सोसाइटी के कामों के लिए फॉर एग्जाम्पल सुबह आपके घर दूध वाला दूध लेके आता है ठीक है वो नहीं आएगा तो आप चाय कैसे पियोगे एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि कैसे हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अभी जैसे आपको नोट्स प्रिंट आउट करवाने हैं तो आप एक प्रिंट आउट जो जिसकी शॉप होगी आप उस पर डिपेंड करोगे इन रिटर्न उसको भी पैसे चाहिए उसको अपना घर चलाना है तो वो आप पे डिपेंड करेगा तो ये इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है सोसाइटी डायनेमिक होती है ये स्टैटिक नहीं होती है अब देखो आज से पंद्रह बीस साल पहले जो सोसाइटी थी कि आज हमारी सोसाइटी सेम है नहीं आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगी सोशल कंट्रोल वो फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है आप पे सोसाइटी कुछ कंट्रोल पुट करती है कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आप सोसाइटी में अपने मन की नहीं कर सकते हो ठीक है ऐसा नहीं है आप, आपका मन करेगा तो आप रात को उठ के जाके चीखने लगोगे सड़क पे वो एक सोसाइटी ने रेगुलेशंस बनाए हैं जैसे हम बोलते हैं हमारी कश्मीरी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता या हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता वो एक सोशल कंट्रोल होता है वो आपके ट्रेडिशंस की वजह से आपके वैल्यूज से भी हो सकता है या फॉर्मली भी हो सकता है जैसे फाइनली जो इनफॉर्मल uh, रूल्स होते हैं जो रेगुलेशन होती हैं जिनके अकॉर्डिंग आप लाइफ स्पेंड करते हो वही कहीं ना कहीं जाके एक क्वडिफाइड फॉर्म में आ जाते हैं और हो जाते हैं एंड वो फॉर्मल लॉज बनते हैं दैट मीन्स वही लॉज कल को जाके आपका कानून बनाती है रिटर्न लॉज ठीक है जैसे आपका इनफॉर्मल एक कंट्रोल है पहले होमोसेक्सुअलिटी पे इनफॉर्मल कंट्रोल था हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट था लेकिन सोसाइटी इवॉल्व करती है डायनेमिक है ठीक है तो क्या हुआ इस ऐसा होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेंस मिली तो वही आप बाद में चीजें देखने देखने को मिलेंगी आपको कोर्ट ने बाद में उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को दैट मीन्स वो जो फॉर्मल रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस बेसिस पे बने जो सोसाइटी ने इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए थे सोसाइटी में आपको कल्चर देखने को मिलेगा एंड ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट दैट मीनस सोसाइटी के जो मेम्बर्स हैं वो इन ग्रुप्स ही रहते हैं उसको हम अपना इंस्टिंग उसको बोलते हैं वो इंस्टिंगटिवली ग्रुप्स ही फॉर्म करते हैं ठीक है उसको ग्रिगोरियस इंस्टिंक्ट जो है टर्म से रिप्रेजेंट किया गया है फिर हमारे पास कुछ ऑरिजन ऑफ सोसाइटीज हैं हमने कुछ इसकी थियरीज देखी थी जल्दी से देख लेते हैं थियोरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन ये क्या कहता है सोसाइटीज हैंडीवर्क ऑफ गॉड जहाँ पे भी आप वर्ड डिवाइन देखोगे दैट वुड बी हैंडीवर्क ऑफ गॉड ठीक है वो डिवाइन हमेशा रिलीजन ऑफ गॉड से रिलेटेड होगा फोर्थ थ्योरी क्या कहता है कि सोसाइटी के कुछ पावरफुल लोग थे उन्होंने क्या किया उन्होंने पावर एक्सरसाइज किया और या अपनी अथॉरिटी दिखाई बाकी लोगों को तो जिन लोगों को एक्सप्लोयट कर रहे थे सारी अथॉरिटी अपनी जिन पे दिखा रहे थे वो लोग बाद में एक साथ मिलके बैठ गए और अपना दुखड़ा एक दूसरे को सुनाने लगे हाँ मेरे साथ भी गलत हो रहा है मेरे साथ भी गलत हो रहा है तो दे स्टेट स्टार्टेड कमिंग टुगेदर और उन्होंने अप्रिशिएट की एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और वहां से कॉन्सेप्ट आया कि एक नेसेसिटी है हमें एक सोसाइटी में रहना ठीक है क्योंकि वो जो एक्नॉलेज किया उन्होंने एक दूसरे के ग्रुप को तो उनके अंदर वो एक ग्रुप में रहने का जो वो था फीलिंग थी वो जाग गई ठीक है वो किस वजह से जाग जागे क्योंकि एक एक्सटर्नल एलिमेंट था या कोई फ्यू पावरफुल लोग थे जो उन उनपे फोर्स एक्सरसाइज कर रहे थे फिर आगे आपका पेट्रीआर्कल एंड मेट्रीआर्कल थियोरीज पेट्रीआरकल क्या कहता है नेसेसिटी ऑफ फैमिली बॉट सोसाइटी टुगेदर तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वहीं से ये इमर्ज हुआ कि आपके पास एक सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए अब वो फैमिली दो टाइप्स की होती है पेट्रीआर्कल या मेट्रीआर्कल मेट्रीआर्कल दिया है जेंकीज ने एंड पेट्री दिया है हेनरी मेन ने मैंने नोट्स में भी आपको कहा था पुराने वीडियोस में भी कहा था इसको आप ऐसे याद रखो एम फॉर मेन एम फॉर मेट्री एंड एंडी कॉम्बिनेशन सही नहीं है दैट मीन्स मेन जो होगा एम पी के साथ मिला होगा एंड जेंकीज जो है वो एम के साथ मिला होगा मतलब एम एम कॉम्बिनेशन इसमें सही नहीं है मेन मेट्री नहीं है मेन पेट्रियार्कल है या इससे इजी अगर कोई तरीका होगा याद रखने का तो आप रख सकते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या कहती है कि सोसाइटी किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनी है ठीक है अब वो कॉन्ट्रैक्ट किन वजहों से आया था हॉबीज ने पहले क्या कहा था कि जो लोग थे पहले वो इवल थे नेस्टी ब्लूटिश तो इसमें लोगों को गलत कहा था ठीक है एंड फाइनली जब लोग इतने ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए थे कि वायलेंस हो रही थी इवलनेस इतनी स्प्रेड हो गई थी वो तंग आ गए थे उनको था कि अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म हो जाए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए और उसके तहत हम एक सोसाइटी फॉर्म करें और ये चीज इसने अपनी बुक लेविथन में डिस्क्राइब की है फिर सेकेंड इज लॉकी लॉकी ने कहा जो लोग हैं वो पीसफुल थे ठीक है वो, वो एक पीसफुल लाइफ जी रहे थे फाइन और वो उन्होंने अपने लिए कुछ सोशल लॉज बनाए थे खुद को रेगुलेट करने के लिए लेकिन उनको था कि उनके पास कोई फॉर्मल जस्टिस आनी चाहिए मतलब फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलशन आने चाहिए फॉर्मल जस्टिस होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो रह सके अदरवाइज वो पीसफुली रह रहे थे तो दे गेव अप देयर पीस उन्हें अपनी लिबरेशन खत्म की और कहा हमें बाउंड करो कि नहीं जस्टिस और रूल्स एंड फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत और एक सोसाइटी फॉर्म करो देन दे स्टार्टेड बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ ए रेगुलर सोसाइटी किसने कहा था लॉकी ने इसमें आप याद रख सकते हो हॉबी ने कहा था लोग जो है वो गंदे थे एंड लॉकी ने जो कहा था उसने कहा था लोग जो थे वो अच्छे थे एंड थर्ड नेम इज योर रोशियो रॉशियो ने कहा था सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी उसको एंड करने के लिए पीपल केम टुगेदर और उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया और किसी अग्रीमेंट के तहत उन्होंने क्या कहा कहा कि हमें एक सोसाइटी फॉर्म करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअली हॉबीज का नाम ही लिखा होता है लेकिन अब लोग इन रोश भी याद रखोगे इनकी थियोरीज को भी थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही एसोसिएट किया जाता है फिर ऑर्गेनिक थियरी ऑफ सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी ये भी डिटेल में आपको वीडियोज में मिल जाएगा इसमें क्या था स्पेंसर जो थे वो सोशल पे बिलीव करते थे देखो डाविन ने आपको क्या कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा था ठीक है तो स्पेंसर ने उस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कॉन्सेप्ट को यूज किया सोसाइटी में तो वो क्या होता है इन्होंने कहा सोसाइटी जब चेंज हो गई वो कॉम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती गई तो जो लोगों में वो कैपेबिलिटी थी उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में फिट होने की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करने की फिट होने की वही लोग जो थे उन्होंने ही सर्वाइव किया और उन्होंने ही आगे जाके सोसाइटी बनाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस में डाविन ने क्या कहा था एनवायरमेंट जैसे चेंज होता है तो जो स्पीशीज उतनी कैपेबल है उस एनवायरमेंट को बर्दाश्त करने के नए एनवायरमेंट को वही स्पीशीज आगे सर्वाइव करेंगी वही इन्होंने सोसाइटी में कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने कि जिस जिन लोगों में वो एबिलिटी थी केपेबिलिटी थी कि वो मॉडर्न सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए खुद में वही जो लोग थे उन्होंने सर्वाइव किया उन्होंने जो थी सोसाइटी बनाई और इन्होंने एनालजी ड्रॉ की थी बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड सोसाइटी तो इन्होंने कहा था जैसे ह्यूमन बॉडी कोऑर्डिनेशन में काम करती है फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी ऑर्गन्स है हार्ट लंग लिवर किडनी वगैरह ब्रेन ये सारे कोऑर्डिनेशन में चलते हैं अगर आपका ब्रेन डेड आप हो जाओ तो आपकी बाकी बॉडी भी सरवाइव नहीं करेगी किडनी फेलियर हो जाए तो इंसान मर जाता है वैसे इन्होंने कहा सोसाइटी भी जो होती है उसमें भी यही होता है डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं सोसाइटी के वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं एंड वो कॉर्डिनेशन में काम करते हैं फिर आगे आपका ग्रुप माइंड थे ये दिया था एम सी डोगल ने मैक डोगल ने क्या कहा था जो ग्रुप माइंड है वो सुपीरियर होता है इंडिविजुअल माइंड से और आपकी जो सोसाइटी है वो ग्रुप माइंड पे बनी होती है ना कि इंडिविजुअल माइंड पे जो इंडिविजुअल माइंड है वो सबऑर्डिनेट होता है ग्रुप माइंड के ठीक है तो इसमें आप प्लेटो हीगल एंड बोसनक्ट ये तीन नाम जो है ये भी आप ग्रो पाइन थियरी के साथ याद रखोगे फिर मॉडर्न थियरी अबाउट ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी इन्होंने कहा था जो सोसाइटी है इट इज नॉट अ हैंडीवर्क ऑफ गॉड ठीक है ऐसा ये नहीं है गॉड ने नहीं बनाई है सोसाइटी जो है वो इवॉल्व करती है एंड ग्रो करती है जैसे पुरानी सोसाइटी जो है आज की सोसाइटी काफी डिफरेंट है क्योंकि सोसाइटी ने तब से इवॉल्व किया है एंड ग्रो किया है एंड वो इवॉल्व क्यों किया है जब आपकी एक फैमिली बनी आपकी छोटी सी फैमिली बनी आपके अंदर वो फीलिंग आई कि आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है ठीक है वो एक फीलिंग की आपको मेंबर्स को प्रोटेक्शन देनी होती है वहां से एक थॉट आ गया आपका सोसाइटी के डेवलपमेंट का एंड फैमिली एंड रिलीजन ने काफी इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि रिलीजन क्या करता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देता है ठीक है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए तो जहां से फैमिली से आपको फीलिंग आ गई प्रोटेक्शन की कि आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है वही रिलीजन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलशन आपको दिए तो इन दो चीजों ने मिला के क्या किया इवॉल्व एंड ग्रो करवाई आपकी सोसाइटी एंड इट इज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ गॉड फिर सोसाइटी के कुछ प्री रेक्ट्स होते हैं पहला होता है कि सोसाइटी जो है वो सेल्फ परपोचुएटिंग है सेल्फ परपोचुएटिंग मींस ऐसा हो जाएगा कि सारे मेंबर्स अगर मर जाए तो सोसाइटी भी खत्म हो जाएगी नहीं सोसाइटी जो है कंटिन्यू होती है तो ये इंटरडिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स इंडिपेंडेंट ठीक है तो ऐसा नहीं है मेंबर्स पे डिपेंड करेगी सोसाइटी जो है ये एग्जिस्ट करेगी चाहे या इंसान है या ना है इंसान कल को एक स्पीशीज खत्म हो जाए कोई बात नहीं दूसरी स्पीशीज आ जाएगी लेकिन सोसाइटी एज एन जो है वो सर्वाइव करेगी ये ऑर्गेनाइज्ड होती है इसका कोई स्ट्रक्चर बना होता है फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी में हमें पता होता है फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है तो फैमिली कैसे बिहेव करती है या सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं एल्डर मेंबर्स हैं सोसाइटी के या आपके नेबरहुड छोटी एग्जाम्पल ले लो या नेबरहुड भी छोड़ो अपने घर की एग्जाम्पल ले लो आपको पता है जो घर के बड़े हैं एक एक ऑर्गेनाइज uh, एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिस तरीके में आप उनसे बात करते हो आप अपने पेरेंट्स से तू तड़ाक करके बात नहीं करते आप एल्डर सिबलिंग से तू तड़ाक करके बात नहीं करते यंगर से करते हो ठीक है तो एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसके तहत ये सारी चीजें चलती हैं चाहे वो आपकी सोसाइटी हो या आपकी फैमिली हो या आपका नेबरहुड हो अगर ये स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सोसाइटी भी सर्वाइव नहीं करती लेकिन सोसाइटी इसीलिए सर्वाइव करती है क्योंकि उसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जो ऑलमोस्ट सब मेंबर्स पे अग्री करते हैं कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं सोसाइटी में ठीक है जो सारे मेंबर्स फॉलो करते हैं और ये तीन चीजें जो हैं वो प्री सोसाइटी के प्री रिक्विज का क्या मतलब हुआ वो चीजें जो नेसेसरी हैं किसी चीज के सर्वाइवल के लिए तो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जिस वजह से सोसाइटी सर्वाइव कर रही है ठीक है कौन सी कंडीशन हैं जिस वजह से सोसाइटी जो है वो सर्वाइव कर रही है वो है कि सोसाइटी सेल्फ परपोचुएटिंग है ये ऑर्गेनाइज है एंड इसमें कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं ठीक है एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज मीन मुझे पता है पेरेंट्स का कैसे बिहेव करना है जो चीज़ आपको भी पता है जितने लोग अगर ये लोग हजार लोग ये वीडियो देखेंगे हजारों को पता होगा पेरेंट्स का कैसे बात करते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है ना कि आज मैं एक तरीके से बात करूं कल मैं एक तरीके से बात करूं तो अगर ऐसा होगा तो मेरा और पेरेंट्स का रिलेशन ख़राब हो जाएगा तो एक एक्सेप्टेड एक नॉर्म्स हैं जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं जो एक हैं आप बोल सकते हो एक सेट स्टैंडर्ड्स हो गए हैं कि हाँ इस तरीके से ही बात करनी है तो ही ये रिलेशन सर्वाइव करता है अब आप थोड़ा बड़े लेवल पे देखो सोसाइटी के भी अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं कैसे उठना है कैसे बैठना है क्या प्रोफेशन चूज करना है ठीक है क्या खाना पीना है ये सारे कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं सोसाइटी के जो सारे मेंबर्स ने एक्सेप्ट किए होते हैं तो ही जो है सोसाइटी सर्वाइव कर पाती है और टाइप्स ऑफ सोसाइटीज देख लेते हैं फर्डिन एंड टोनीस इन्होंने दिया था जेमिन शाफ्ट एंड जैसल शाफ्ट जेमिन शाफ्ट है आपका कम्युनिटी बेस्ड इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं एंड जैसल शाफ्ट को हम एसोसिएशन बोलते हैं या आपकी सोसाइटी बोलते हैं तो बेसिकली जहां पे आप जेमिन शार्ट देखो एम से कम्युनिटी याद रख लेना एस एस से एसोसिएशन याद रख लेना जहां पे जेमिन शार्ट देखोगे तो वो ट्रेडिशनल यूनिटी कोऑपरेशन वो सारी चीजें आएंगी एंड जैसल शाफ्ट देखोगे तो सेल्फ uh, इंटरेस्ट इंडिविजुअलिज्म तो वो किसका पार्ट होगा का ठीक है तो वो आप जहां भी कोई मॉडर्निटी से चीज रिलेटेड देखोगे ना तो वो जैसे रिलेट कर देना जहां पे आप कम्युनिटी सेंटिमेंट फीलिंग कलेक्टिव इंटरेस्ट वी फीलिंग ऐसी चीजें देखोगे वो जेमिन शाफ्ट का होगा अब जो जेमिन शाफ्ट में जो लोग एक्शन करते हैं जेमिन शाफ्ट वे सोसाइटी वाले वो बेस्ड होता है एसेंशियल विल पे जो अगेन आपके सेंटिमेंट्स ब्रदरहुड यूनिटी ट्रेडिशन इन चीजों से रिलेटेड होगा एंड जो आर्बिटरी विल लोग जो एक्शन करते हैं अपनी आर्बिटरी विल पे वो लोग होते हैं जो गाइड होते हैं बाय सेल्फ इंटरेस्ट बाय इंडिविजुअलिज्म जिनको अपनी पड़ी होती है उनको यूनिटी या सोसाइटी या आपके कम्युनिटी वी फीलिंग उन चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है दुर्खेम ने दिया था मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो आपकी पुरानी सोसाइटीज में होती है एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो आपकी नई सोसाइटीज में होती जो आपकी मॉडर्न सोसाइटीज में होती है ठीक है स्पेंसर ने दिया था मिलिटेंट अगेन आपकी पुरानी सोसाइटीज इसको इन्होंने कहा था ये वॉयलेंट है ठीक है और इंडस्ट्रियल जो थी वो राधा पीसफुल सोसाइटीज थी तो दुर्खेम को मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है वीडियोज में वहां से आप देख सकते हो सारा सॉलिडारिटी और इसके साथ डिविजन ऑफ लेबर वाला कॉन्सेप्ट भी मिला हुआ है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी तो वो रिविजन सीरीज का पर्पज ही खत्म हो जाएगा अगर मैं सारा नए से यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगू रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था फोक एंड अर्बन सोसाइटीज ये आपकी मॉडर्न सोसाइटीज हो गई एंड फोक सोसाइटी आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज फिर आगे आपका एंथनी गिडेंस उन्होंने दी थी हंटिंग एंड गैदरिंग पुरानी सोसाइटी जहाँ पे आप हंट करते हो एनिमल्स को पेस्टोरल सोसाइटीज गाय बकरियां चलाने वाली फिर एग्रेरियन एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल स्टेट एंड सिविलाइजेशन जो इससे फिर वन स्टेप फॉरवर्ड थोड़ा मॉडर्निटी की तरफ ले जाता है पार्सन्स ने दिया था कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्बलिज्म के पहले क्या होता था लोग सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे और वो जो सिंबल्स का मीनिंग होता था वो सबको पता होता था फॉर एक्जाम्पल मैं अगर विक्ट्री वाला साइन आपको दिखाऊं तो आप ये नहीं बोलोगे ये मुझे इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर क्यों दिखा रही है वी साइन बना के आपको पता है कि विक्ट्री वाला साइन है ठीक है या थम्स अप मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता है ऑल द बेस्ट है मैं आपको ठेंगा नहीं दिखा रही हूँ तो इसका मतलब क्या होता है वो जो सिंबल है उसका मीनिंग जो है वो शेयर होता है फिर एडवांस प्रमेटिव पुरानी सोसाइटीज और इंडस्ट्रियल और उनके बीच वाली सोसाइटी जो एक ट्रांजिटरी फेज था वो किसे रिप्रेजेंट किया उन्होंने नाम इंटरमीडिएट सोसाइटीज से सम अदर क्लासिफिकेशन दुर्खेम ने क्या कहा था और एक तो जो हमने पहले पढ़ा मैकेनिकल सोल्ड ऑर्गेनिक सोल्ड फिर सिंपल सोसाइटी ये अर्ली सोसाइटीज वही जो अपना खेमा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वो अः नो मैट्स भी जिनको बोलते हैं फिर आगे आपके सिंपल पॉलिस सेगमेंट्री सोसाइटीज इनको इराके सोसाइटीज बोला जाता है इराकेस होते हैं इससे थोड़ा वन स्टेप फॉरवर्ड थोड़ा वो भी हंटिंग गैदरिंग ही कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े फार्मिंग के एलिमेंट्स उनके आगे हैं उनमें मतलब फार्मिंग एग्रे जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट करने लगे थोड़ा बहुत रेडिमेंट्री फॉर्म में फिर सिंपल कंपाउंड पॉलिसेगमेंटरी सोसाइटीज या आपकी एग्रेर सोसाइटीज हो गई फिर डबली कंपाउंड पॉली सेगमेंटेड या आपकी मॉडर्न सोसाइटीज हो गई यूजली मीनिंग नहीं पूछा जाएगा लेकिन हो सकता है ऐसे जैसे हॉर्डेज इराकीयियस सोसाइटी ऐसे की आपको पूछे जाए फिर स्पेंसर की सिंपल सोसाइटी कंपाउंड डब्ल्यू एंड ट्रिपली कंपाउंड तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी हैं गोत्र फैमिली ट्रैवल सोसाइटी नेशन स्टेट तो ये गोत्र वगैरह का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सारा डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में फिर हेनरी मेन हुआ इन्होंने दिया स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस हो गया आपकी सिंपल सोसाइटीज स्टेटस बेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटीज होगी आपकी मॉडर्न या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज फिर कार्ल पॉपर हो गया आपका ट्राइबल सोसाइटी एंड ओपन सोसाइटी कार्ल मैंने हमने दिया था ऑर्गेनाइज जनरल हिस्टोरिकल कार्ल मार्क्स ने प्रमेटिव एशियटिक एंशंट एंड फ्यूडल कार्ल मार्क्स के साथ हम और एक चीज रिलेट करते हैं आपकी एडवांस्ड कम्युनिस्ट सोसाइटीज फिर आई थी आपकी एंशंट स्लेव सोसाइटीज फिर आई थी आपकी फ्यूडलिस्टिक और फिर कैपिटलिस्टिक तो ये नाम भी आप कार्ल मार्क्स के साथ जोड़ लेना कैपिटलिस्टिक ठीक है तो ये रिविजन सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अगर वीडियोज में कोई चीज रह गई होगी तो मैं वो यहाँ पे जल्दी से कवर कराऊंगी तो सोसाइटी हमारा फिनिश हुआ फिर देखते हैं कम्युनिटी कम्युनिटी दो लैटिन वर्ड से निकला है कॉम एंड म्यूनिस कॉम मीन्स टुगेदर एंड म्यूनिस मीन्स टू सर्व तो इसका क्या मतलब होगा टू सर्व टुगेदर तो नहीं दी जहां पे भी आप सुनोगे आपको क्या याद रखना है वी फीलिंग भाईचारा ब्रदरहुड एक लोकैलिटी में रहते हैं ये ये जो है वी फीलिंग और लोकेलिटी वी फीलिंग या कम्युनिटी सेंटिमेंट ये चीज जो है ये बेसिक फीचर है जो कम्युनिटी में होना ही होना चाहिए इसके बगैर आप कम्युनिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है मेन जो है टू फीचर्स हैं इसके फिर हो गया कुछ फीचर्स देखते हैं इसके लोकेलिटी वन एंड टू मेन टू फीचर्स बाकी फीचर्स देखते हैं लाइकनेस एंड सिमिलरिटी हमने सोसाइटी में क्या पढ़ा डिफरेंसेस भी होती है लेकिन कम्युनिटी यूजली लाइकनेस और सिमिलरिटी पर डिपेंड होती है नैचुरिटी स्पॉन्टेनिटी मतलब ये नेचुरली फॉर्म हो जाती है ऐसा नहीं है डिसाइड करके आप बोलोगे कि मैं अच्छा मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन अब मैं उस कम्युनिटी में जाके उस कम्युनिटी का पार्ट बनूँगा तो यूजुअली ऐसा नहीं होता ये स्पॉन्टेनिटी आप वहाँ उस कम्युनिटी में पैदा होते हो इसीलिए आप उसके मेम्बर बनते हो परमानेंस कम्युनिटी परमनेंट होती है इनका कोई पर्टिकुलर नाम होता है जिससे कश्मीरी पंडित सी कम्युनिटी है या कश्मीरी कम्युनिटी है कॉमन लाइफ यूजली जीते हैं कॉमन लाइफ कॉमन ट्रेडिशन कॉमन आइडियाज़ कॉमन वैल्यूज़ होते हैं इनके साइज पे भी आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बड़ी कम्युनिटीज होती हैं अर्बन कम्युनिटीज होगी विलेज कम्युनिटीज होगी या छोटी कम्युनिटीज होती है रेगुलेशन ऑफ रिलेशन कुछ तहत वहाँ पे रेगुलेशन वगैरह होता है जो आपको बताता है कि आपको कम्युनिटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है फिर थियरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ये सारी चीजें मैं क्विकली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिविजन क्लास चल रही है ठीक है अगर डिटेल में देखना है तो आपको मेरे वीडियोज देखने होंगे तो ये ग्रासेस थ्योरी ऑफ़ इकोनॉमिक चेंज किसने दी थी एन पी ग्रास ने दी थी इन्होंने क्या कहा था पहले इन्होंने इकॉनमी के बेसिस पे दिया था कम्युनिटी डेवलप हो गई पहले नोमैड जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे उनकी इकॉमी थी फिर वो 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 थोड़ा एक जगह रहने लगे लग तो एक कलेक्टिव इकानमी बन गई वहां से विलेज कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया एक साथ रह रहे के एक गांव बन गया वो एंड देन फाइनली टाउंस एंड सिटीज़ फिर कूले ने दी थी थियोरी ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन वो सी एच कूले ने तो इन्होंने क्या कहा था ट्रांसपोर्टेशन में हमें किस चीज़ की जरूरत होती है अगर आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है सामान एक जगह से दूसरी जगह तो जहां पे आप सामान गाड़ी में रखवाते हो ठीक है आप लोड करवाते हो सामान वहां पे आपको दस पंद्रह लोगों की जरूरत होती है ठीक है उसके बाद जब गाड़ी से आपको उतारना होता है सामान ठीक है अनलोड करना होता है वहां पे भी दस पंद्रह लोगों की जरूरत होती है फिर जहां पे आप वेयर हाउस में सामान ले जाके स्टोर करते हो वहां पे भी दस पंद्रह लोगों की जरूरत होती है तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोग इकट्ठे मिल रहे हैं और एक ही रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है काम कर रहे हैं आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं एक ही तरीके का काम कर रहे हैं वहां से आइडियोलॉजी डेवलप हो गई आपकी कम्युनिटी बिल्ड की कम्युनिटी बिल्डिंग की फिर मैकेंजी ने थ्योरी दी थी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी में तो वहां पे उन्होंने कहा था थ्री फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जैसे रेल हो गया वाटर हो गया मोटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो ये तीनों जो है फॉर एग्जाम्पल रेल हो गया जहां पे ट्रेन चलेगी या स्टेशन होगा उसके आसपास जो है लोग रहने लगते हैं ताकि इजी एक्सेस हो जाए तो वहां से कम्युनिटी डेवलप होती है ये जो वाटर है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हो वाटर बॉडीज के थ्रू ठीक है तो जो वो वाटर बॉडीज है उसके इर्द गिर्द छोटी मोटी कम्युनिटीज बनना शुरू हो जाती है एंड वहां से कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होता है फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज में देख लो प्रिमेटिव सिविलाइज नई एंड रूरल एंड अर्बन तो इन दो नामों इन चार नामों से रादर आप टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज जो है वो देख सकते हो एग्जाम वगैरह में फिर थोड़ा सोसाइटी एंड कम्युनिटी का डिफरेंस देख लेते हैं सोसाइटी को हम वेब ऑफ सोशल रिलेशन बोलते हैं और ये किसने कहा था मैकाइवर ने ठीक है फिर कम्युनिटी में आपको वी फीलिंग मिलता है एंड पर्टिकुलर एरिया मिलता है जोग्राफिकल एरिया जो है एसेंशियल नहीं है आपकी सोसाइटी के लिए लेकिन कम्युनिटी के लिए एक डेफिनेट लोकैलिटी होना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको कहा सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है वैसे ही कम्युनिटी जो है कंक्रीट होती है सोसाइटी में वी फीलिंग मे और मे नॉट बी प्रेजेंट लेकिन कम्युनिटी जो है इसमें वी फीलिंग जो है वो एसेंशियल फीचर है इसका सोसाइटी वाइडर कॉन्सेप्ट है वाइडर एक्सप्रेशन है और कम्युनिटी जो है स्मॉलर कॉन्सेप्ट है तो लाइकनेस एंड डिफरेंसेस जो है आपको सोसाइटी में लाइकनेस भी मिलेगी डिफरेंसेस भी मिलेगी दैट इज कॉपरेशन भी मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट भी मिलेगा लेकिन कम्युनिटी में आपको क्या मिलता है देखने को लाइकनेस फिर आगे चलते हैं एसोसिएशन एसोसिएशन हम बनाते हैं कोई टू सर्व सम पर्पज या किसी एंड गोल के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके फुटबॉल एसोसिएशन तो वो किस लिए बनते हैं यूजली फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए फुटबॉल खेलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बनाने के लिए तो फुटबॉल एसोसिएशन या ट्रेड यूनियंस वो एक एसोसिएशन है तो लेबर्स की बात यहाँ पे होती है उनके उनके जो राइट्स वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है तो किसी एक दिमाग में कोई एक गोल होता है जब हम एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं ह्यूमन ग्रुप है, है लोगों का ही ग्रुप होता है कॉमन इंटरेस्ट होता है ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट फुटबॉल में है तो ही आप फुटबॉल एसोसिएशन के मेम्बर बनोगे ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होता है दैट मीन्स कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉर एक्जाम्पल अगर फुटबॉल एसोसिएशन बनेगी हो सकता है वो ऐसा रूल बनाए कि वो अबो एटीन सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सिर्फ वो मेल्स के लिए है तो जैसी मर्ज़ी उनके वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉर्मली सेटअप कर सकते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया कॉपरेटिव स्प्रिट स्पिरिट होते हैं उनमें ऑब्वियसली आपस में कॉपरेटिव स्पिरिट होगा तो ही वो काम कर पाएंगे जैसे एग्जांपल में फार्मिंग कम्युनिटी भी ले सकते हो फार्मिंग कम्युनिटीज अपने एरिया में देखती हैं कि फार्मिंग का काम कैसा चल रहा है फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो फेस करे तो वो सारी चीज़ें जो है वो कॉपरेटिव स्पिरिट वो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट आप एसोसिएशन में भी देखने को मिलेगा आपको मेंबरशिप वॉलेंटरी है आपको अगर नहीं बनना है मेंबर फार्मर कम्युनिटी का क्या आपको कोई ज़बरदस्ती बना सकता है नहीं क्योंकि उसकी मेंबरशिप वॉलेंटरी होगी एज एजेंसीज एजेंसीज़ काम करती हैं क्योंकि ये अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एजेंसीज की तरह एंड देन इसमें एक जैसे चेयरपर्सन होगा या बाकी मेंबर्स होंगे जो एक्सपर्टीज होंगे अपने फील्ड के ठीक है आप फुटबॉल एसोसिएशन के अगर कोई मेंबर हो या चेयरपर्सन हो तो कहीं ना कहीं फुटबॉल से जुड़े हुए होंगे ठीक है तो वो सारी चीजें चीजों का मतलब है कि एज एजेंसी काम करती है एंड देन एक लीगल एंटिटी भी है ठीक है तो ये सारी चीजें आपके एजेंसी से होगी कॉर्पोरेट कैरेक्टर जैसे कॉर्पोरेट कैरेक्टर होता है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है मेंबर्स का एक ऑर्गेनाइजड वे होता है बिहेव करने का ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो भी हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं वो सारा हम एक छोटे फॉर्म में एक एसोसिएशन में हमें देखने को मिलता है फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन या वो टेम्पररी हो सकते हैं या वो परमानेंट हो सकते हैं फिर एसोसिएशन कम्युनिटी की डिफरेंस देख लेते हैं एसोसिएशन में मैंने आपको कहा जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी होती है आप अपनी मर्जी से उसके मेंबर बनते हो आपको कोई जबरदस्ती फुटबॉल एसोसिएशन का मेंबर नहीं बना सकता लेकिन कम्युनिटी इट इज राधर कंपल्सरी क्योंकि इसमें आप पैदा हुए होते हो ठीक है अगर कोई कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में पैदा होगा तो वो कश्मीरी पंडित ही होगा वो ये नहीं बोल सकता कि मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ तो इट्स राधा कंपलसरी ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए होता है जैसे फुटबॉल एसोसिएशन अगेन इसकी एग्जांपल लेंगे वहाँ पे ट्रेड यूनियन रिलेटेड बातें नहीं होंगी क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनना है लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता वो जनरल इंटरेस्ट है वहाँ पर जनरल बातें होती है स्पेशल आस्पेक्ट दैट मीन्स वो लोकेलिटी वाला पॉइंट जो है वो एसोसिएशन के लिए नहीं है लोकेलिटी किस में होती है कम्युनिटी में देखने को मिलती है मे और मे नॉट बी स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी जो है अगेन इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात होती है ये स्टेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मीनस टेम्परेरी भी परमानेंट भी, भी लेकिन जो कम्युनिटी है वो कंपेरेटिवली मोर जो है स्टेबल और मोर परमानेंट होती है एसोसिएशन का एक लीगल स्टेटस होता है क्योंकि एज एजेंसी बिहेव करता है और कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है एसोसिएशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं चाहे वो रिटर्न या अनरिटर्न फॉर्म में हो अब एसोसिएशन में अगर आपको डायरेक्टली हर जगह ये रिटर्न फॉर्मेट में नहीं लिखा हो कि सुबह आपको आठ बजे रिपोर्ट करना है ठीक है अपने ऑफिस में लेकिन अनरिटर्न फॉर्मेट में ये एक कन्वेंशन बाय कन्वेंशन ये रूल बन जाता है कि आपको इस टाइम पे अपने ऑफिस में रिपोर्ट करना है तो वो एसोसिएशन में होता है लेकिन कम्युनिटी जो होती है दैट इज गाइडेड बाय कस्टम्स एंड तो वो फॉर्मेट में नहीं होते वो बस आपके कस्टम्स होते हैं सबसे कश्मीरी पंडितों को देखा होगा जो कान के बीच में छेद करके वो लंबा वो पहनते हैं तो वो उनका एक कस्टम है तो जरूरी नहीं वो कहीं रिटर्न फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा वो बस उनका ट्रेडिशन है या हमारे कश्मीरी भी कितने सारे ट्रेडिशन है वो कहीं रिटर्न फॉर्मेट में तो नहीं है ना वो बस हमारा एक ट्रेडिशन है फिर जो एसोसिएशन है ये पार्शल है या आप इसको बोल सकते हो छोटा पार्ट ऑफ कम्युनिटी कम्युनिटी इंटीग्रल बोलेंगे इट मे हैव सेवरल एसोसिएशन फॉर एग्जांपल ये आपकी कम्युनिटी है इसमें आप फुटबॉल एसोसिएशन भी देख सकते हो आप क्रिकेट एसोसिएशन भी देख सकते हो आप ट्रेड यूनियंस भी देख सकते हो ठीक है वो सारा कम्युनिटी के अंदर आ सकता है तो ये हो गया आपका सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से इज सोशल स्टार्टिफिकेशन ठीक है सोशल स्टार्टिफिकेशन कास्ट क्लास एंड सोशल स्टार्टिफिकेशन इन इंडिया ये हमारे चैप्टर का नाम है तो सोशल स्टार्टिफिकेशन बेसिकली स्टार्टिफिकेशन क्या होता है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है स्ट्राटा लैटिन वर्ड स्ट्राटा से डराइव हुआ है जिसका मतलब होता है लेयर्स तो इसका क्या मतलब वो आपकी जो सोसाइटी है वो कुछ लेयर्स में डिवाइडेड होगी अब हमारा काम क्या है थ्रू सोशल स्टार्टिफिकेशन ये देखना कि वो जो लेयर्स हैं वो इक्वल है दैट मीनस क्या सोसाइटी इक्वालिटी के बेसिस पे अलग अलग हुई है या उसमें कुछ इनइक्वालिटी या डिफ्रेंसेस प्रेजेंट है देखो सोसाइटीज़ में आपको हमेशा डिफरेंसेज देखने को मिलेंगी फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंस मिलेगी आपके और आपके सिबलिंग में एज डिफरेंस देखने को मिलेगी आपको जेंडर की डिफरेंस देखने को मिलेगी ठीक है तो कुछ डिफरेंसेस हम कहते हैं नेचुरल होती हैं जैसे आपकी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गई ठीक है एज की डिफरेंसेस हो गई फिजिकल केपेबिलिटी की हो गई अगर आप थर्टी ईयर्स के हो आपकी फिजिकल केपेबिलिटी अलग है अगर आप फिफ्टी ईयर्स के हो आपकी फिजिकल केपेबिलिटी अलग है और कुछ डिफरेंसेज होती है मैन मेड जो इंसान ने खुद की बनाई हुई होती है तो जो हमारा सोशल सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो इसी मैन मेड डिफरेंसेज जो है उससे रिलेटेड होता है देखो सोशल डिफरेंसेस हम स्टार्टिफिकेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है हम क्या करते हैं सोसाइटी में डिफरेंसेस प्रेजेंट है अब हम यहाँ पे जेंडर की बात लेते हैं क्योंकि जेंडर के बेसिस पे ही सोसाइटी में बहुत बड़ा एक जेंडर बेस्ड डिफरेंस जो है आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा हमें पता है ये सेक्सुअल डिफरेंसेस है ठीक है आपको फीमेल्स मिलेंगी अलग एंड मेल्स मिलेंगे अलग हम क्या करते हैं हम अब मैन क्या करता है वो इन डिफरेंसेस को कुछ वैल्यूज अटैच कर देता है दैट मीन्स वो एक जो फीमेल है एक जेंडर या मेल एक जेंडर ये बोलता है कि आपका एक जेंडर सुपीरियर है और एक जेंडर इनफीरियर है ठीक है हमारी सोसाइटी के केस में मेल्स को सुपीरियर माना जाता है फीमेल्स को इनफीरियर माना जाता है तो उसने क्या किया जो आपकी नेचुरल जो डिफरेंसेस थी सोसाइटी में प्रेजेंट थी उनको सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी के बेसिस पे कुछ वैल्यूज अटैच की बोला मेन जो मेल है वो सुपीरियर है एंड फीमेल जो है आपकी वो इन्फीरियर है या डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी अनडिजायरेबिलिटी के बेसिस पे अभी भी जो मेल चाइल्ड है उसकी प्रेफरेंस हमारी सोसाइटी में ज्यादा है एंड फीमेल चाइल्ड की कम है दैट मींस डिजायरेबिलिटी अनडिजायरेबिलिटी के बेसिस पे भी आपने क्या किया कुछ जो नेचुरल डिफरेंसेस थी सोसाइटी में उनमें कुछ वैल्यूज अटैच की ये जो डिफरेंसेज है इनसे इनक्वालिटीज हो गई अदरवाइज बॉय और गर्ल क्या है क्रिएटेड बाय गॉड दो जेंडर हैं ठीक है गॉड ने बनाए हैं दो जेंडर तो इनईक्वालिटी तो नहीं होनी चाहिए ना इक्वालिटी होनी चाहिए फाइन लेकिन जब हमने इन जेंडर्स के साथ अपनी वैल्यूज अटैच करना शुरू की हमने कहा एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है तो क्या हुआ इनइक्वालिटी रिजल्ट हो गई एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन तो स्टार्टिफिकेशन बेसिकली सोशियलॉजी का कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्या कहता है सोसाइटी जो है लेयर्स में डिवाइडेड है एंड ये जो लेयर्स है ये एक हायरिकल ऑर्डर में आपको मिलेंगे हायरिकल ऑर्डर में रैंक हुए होते हैं दैट मीनस किसी एक को रैंक वन मिलती है किसी एक को रैंक रैंक टू मिलती है तो ये जो डिविजन है सोसाइटी में ये इनक्वालिटी के बेसिस पे होते हैं ठीक है थीके? आगे देखते हैं सोशल सर्टिफिकेशन क्या कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी जो है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चुर हायरिकल स्टेटा ठीक है तो इसमें क्या होता है एक रैंकिंग होती है जो क्या करती है एक हरिकी की क्रिएट करती है एंड इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन इन डिटेल मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी वीडियोज में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम सिर्फ इनका जो है वो ये कर रहे हैं एक रिविजन करें तो पहले क्या होगा आपकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी दैट मीन्स अगर हम फिर से मेल फीमेल का दिमाग में रखें तो पहले डिफरेंशिएट हो गए हाँ मेल अलग है फीमेल अलग है अब आपने उसको इवेल्युएट किया दैट मीन्स आपने उसके साथ कोई वैल्यू अटैच किया आपने कहा नहीं मेल सुपीरियर है एंड फीमेल्स क्या है इनफीरियर हैं फिर आपने रैंक किया आपने कहा चलो अब मेल्स को वन नंबर पे रखो एंड फीमेल्स को टू नंबर पे रखो एंड अकॉर्डिंगली आपने रिवॉर्ड सिस्टम किया आपने रिवॉर्ड्स अटैच किए जैसे मेल बॉयज़ अभी भी उन घरों में जहाँ पे पैसे कम होते हैं एंड वो सिर्फ एक ही एजुकेशन पे ध्यान दे सकते हैं तो मेल्स को एजुकेट करते हैं अभी भी मेल चाइल्ड की जाता है ठीक है तो ये सारे ऑन द बेस ऑफ रैंकिंग वो रैंकिंग हुई होती है क्योंकि आपने क्या किया होता है नोशन ऑफ सुपीरियोरिटी इंफीरियो के बेसिस पे आपने डिफरेंसेस को इवेल्युएट किया होता है ठीक है जैसे लड़कों को ज्यादा फायदा मिलता है कब कब गर, उनको कब आए कब जाए गर्जन को पता उन कोई पूछता नहीं है एंड अगर आपका भाई घर में आया तो उसके लिए पानी लाओ ये करो वो करो एंड वो फैमिली टू फैमिली डिफर करता है पर मैं बस आपको सोसाइटी की पिक्चर दे रही हूँ इसमें आप ये नहीं हो जाना ठीक है कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं होता है तो इन सब चीजों से क्या हो जाता है प्रोसेस ऑफ स्टार्टिफिकेशन हो जाती है वेरियस लेयर्स में सोसाइटी डिवाइड होती है तो बेसिक हुआ पहले सोशल स्टार्टिफिकेशन का जो सोशल स्टार्टिफिकेशन है वो यूबिगटस है या यूनिवर्सल भी उसको बोला जाता है सोशल स्टैटिफिकेशन दैट मीनस इन वन फॉर्म और द अदर आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगी चाहे वो आप कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी को स्ट्रटिफाई करो आप क्लास के बेसिस पे स्टैटिफाई करो ठीक है किसी बेसिस चाहे कोई भी हो आप इंटेलिजेंस के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड करो किसी भी बेसिस पे करो लेकिन दुनिया में जितनी भी सारी सोसाइटीज हैं स्टेटिफिकेशन आपको इन वन फॉर्म और द अदर देखने को मिलती है फाइन अब कुछ थियोरीज ऑफ सोशल स्टेटिफिकेशन है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बाय कार्लमार्क्स फंक्शन थियोरी बाई डेविस एंड मोरे एंड यूर वेबर वेबर्स मॉडल ऑफ स्ट्रटिफिकेशन तो क्लास नोट्स में मैंने ये अलग अलग बताया था वेबर का और कार्लमार्क्स uh, का मैंने एक्सप्लेन करके क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में बताया था लेकिन यहाँ पे हम मैं थियोरीज और तो सोशल स्टार्टिफिकेशन की हेडिंग में ही सारा आपको बता दूंगी ठीक है तो पहली हम थियोरी डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की ठीक है उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी रह है हमारे पास सोशोलॉजी के कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं ठीक है थीके? उसमें एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शन स्कूल ऑफ थॉट तो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है इनका होता है कि सोसाइटी में हर जो चीज है वो फंक्शनल है एंड वो इसीलिए प्रेजेंट है सोसाइटी में क्योंकि वो कोई काम कर रही है एंड वो सोसाइटी के जो वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटीज हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये लोग वो होते हैं जो क्राइम को भी फंक्शनल बोलते हैं क्योंकि ये कहते हैं सटन अमाउंट ऑफ क्राइम जो है ये फंक्शनल है फॉर द सोसाइटी आप क्या करते हो जब कुछ क्राइम कहीं पे होता है तो क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलती है तो इससे क्या होता है बाकी लोगों को पता चलता है कि क्राइम करना गलत बात है उनको उनको क्राइम नहीं करना चाहिए तो सर्टेन तो अमाउंट ऑफ क्राइम भी आपके लिए फंक्शनल होता है ठीक है तो ये फंक्शनलिस्ट का थॉट बोलने का एग्जाम्पल है कि उनका क्या मानना होता है हर जो चीज है वो फंक्शनलिस्ट है एंड जो सोसाइटी है एक वेरियस पार्ट में डिवाइडेड है एंड वो जो सारे पार्ट्स है वो एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली कहीं ना कहीं आपके रिलीजन पे भी डिपेंडेंट है ठीक है आपकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिक्स पे भी डिपेंडेंट है तो जो वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी है वो एक दूसरे पे

वो बोलते थे कि सोसाइटी है बेसिकली आपकी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को क्यों बोला जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्योंकि वो कहते थे सोसाइटी आपकी इकोनॉमी ही चला रही है इस इकोनॉमी का सिस्टम ऐसा है सोसाइटी में दो क्लासेस में डिवाइड हो गए हैं एक जो आपके ओनर्स हैं जिनको हैव्स बोला था और दूसरी क्लास है आपकी जो इन ओनर्स के लिए काम करती है आपका मजदूर तबका वो हैव नॉट्स है ठीक है सोसाइटी बेसिकली इन्हीं दो क्लासेस में डिवाइडेड है हैव्स में एंड हैव नॉट्स में तो होता क्या है ये जो हैव्स हैं अपने प्रॉफिट के लिए ये हैव नॉट्स को एक्सप्लॉयट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बहुत बड़ी मल्टी करोड़ कंपनी की आपकी फैक्ट्री चल रही है तो उसमें आपको आप हैव हो वो आपकी फैक्ट्री है उसने आपको मजदूरों को काम करवाना है वो हैव नॉट से ठीक है थीके? आप क्या करते हो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करते हो उनको बोलते हो सुबह के नौ बजे से रात के बारह बजे तक काम करो ताकि प्रॉफिट जनरेशन वहां से मैक्सिमम हो जाए ठीक है तो ऐसी सारी चीजें करके आप क्या करते हो हैव करते हो उनके का नहीं सोचते हो एंड मार्क्स का अराउंड ही बिल्ट है आपका जो पॉलिटिक्स है वो भीव के अराउंड ही बिल्ट है तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो ऐसे लॉज लेके आती है जो फेवर करता है, को को. जो है अगर उनको पॉइंट आउट करना होता है किसी इंसान की गलत चीज को तो वो भी अमीरों के को उसमें भी रिलैक्सेशन मिलती है हैव्स को एंड अगर जो रिलीजन के नाम पे फाइटिंग हो रही है वो भी हैव नॉट्स ही आपस में कर रहे हैं वो भी हैव नॉट्स की ही है ठीक है क्योंकि रिलीजन में क्या होगा जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो उतनी डोनेशन करेगा उतनी चैरिटी देगा आप टेम्पल में ही देख लो क्या होता है जब अंबानी जब विजिट करने के लिए जाते हैं वो बाय एयर जाते हैं हेलीकॉप्टर में वहां ठीक है उनको दर्शन करने को भी पहले सबसे पहले मिलता है तो ऐसी सारी चीजें हमें बताते हैं जो रिलीजन है वो भी आपके इकोनॉमी से कहीं ना कहीं इंटरट्वाइंड है तो कहने का क्या मतलब है बेसिकली इनको इकोनॉमिक डिटर्मिन बोला जाता है कि हर चीज को रिड्यूस करते थे कि हर चीज आपकी इकोनॉमी डिटर्मिन करती है दैट इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ठीक है तो ये इसका थोड़ा बेसिक फंडा था फाइन अब हमें यहाँ पे क्या देखना था हमें देखनी है थियरीज ऑफ स्ट्रटिफिकेशन थियरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी थियरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हमें दी क्लास को लेके तो उन्होंने कास्ट की नहीं दी थी उन्होंने क्लास बेस्ड सर्टिफिकेशन हमें थी उन्होंने कहा सोसाइटी सिर्फ आपकी क्लास पे डिवाइडेड है क्लास उन्होंने किसको कहा था क्लास उन्होंने कहा था वो लोग जो शेयर करते हैं सिमिलर रिलेशन विद फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ठीक है अब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है देखो हमारे पास दो चीजें हैं ये हम मार्क्स की थ्योरी देख रहे हैं तो मार्क्स ने कहा था एक क्लास के लोग वो होते हैं जो शेयर करते हैं सिमिलर रिलेशन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास दो चीजें होती हैं एक हमारे पास फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है एक हमारे पास रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो आपको कुछ टूल्स चाहिए काम करने के लिए सबसे पहले आपको लैंड चाहिए जहां पे आप अपनी फैक्ट्री इंस्टॉल करोगे आपको टूल्स चाहिए आपको मशीनरी चाहिए ठीक है आपको हैवी मशीन चाहिए वो चीजें रन करने के लिए तो वो सारी चीजें जो हमें हेल्प करती हैं प्रोड्यूस करने में चीजें मतलब जो हमें हेल्प करती हैं प्रोडक्शन बढ़ाने में आगे तो वो आपके फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड हो, हो गए आपके टूल्स हो गए आप मशीन आप फैक्ट्रीज में क्या क्या यूज करोगे एक छोटा जो कील होता है जिसको हम नेल बोलते हैं वो भी आपका एक टूल है ठीक है वो सारी चीजें बड़ी बड़ी मशीन जो आप अपने फैक्ट्रीज में यूज करोगे जो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाने में काम करेंगी वो होगा फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अब इन्होंने कहा था वापस डेफिनेशन पे आते हैं क्लास वो लोग हैं जो शेयर करते हैं सिमिलर रिलेशन विद दीज फोर्स प्रोडक्शन दैट मींस आपका क्या रिलेशन है इन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से वो डिटर्मिन करेगा आपकी क्लास तो क्या रिलेशन हो सकता है या तो ये जो फोर्सेज है आप ओन करते हो यू आर द ओनर या आप इनपे काम करते हो दैट मीन यू आर ओन्ड बाय द ओनर या तो आप ओनर हो या तो आप ओन्ड हो अगर आप ओनर हो तो आप हैव्स हो जिनको इन्हें बर्जो भी कहा था अगर ये कहीं बर्जो लिखा आया होगा तो ये की भी याद रख लेना ठीक है एंड अगर आप ओन्ड हो दैट मीन्स अगर आपको जो आपके हैव्स हैं वो ओन करते हैं तो आप क्या हो जो मजदूर वहां काम करते हैं उनको इन्होंने हैव नॉट्स कहा था जिसको हम प्रोलिटेरियट बोलते हैं ठीक है तो वेबर का क्या कहना था आपका डिटर्मिन करता है क्लास कि आपका क्या रिलेशन है विद द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन तो इसी डेफिनेशन को दिमाग में रखे इन्होंने टोटल दो क्लासेस दी थी कहा था या आप हैव्स में आते हो आप ओन करोगे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को या तो आप हैव नॉट्स में आते हो यू आर ओन्ड बाय दोस फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय बाई दोस्ट और हैव्स तो अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें दो कैटेगरीज दी थी हैव्स की एंड हैव नॉट्स की तो ये था इनका मॉडल ऑफ सर्टिफिकेशन हैव्स का एंड हैव नॉट का ठीक है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ कि आपका क्या रिलेशन है आपके एफ ओपी के साथ कि या आप हैव हो आप ओन करोगे या आप हैव नॉट हो आप वहां पर एक मजदूर हो आप काम करते हो आई होप दिस इज क्लियर आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ और टर्मिनोलॉजी थोड़ी हम देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा था अभी जो करंट सिचुएशन है या जो पुरानी क्लासेस गुजरी हैं उनमें क्या हुआ है जो ओनर जो ओन्ड क्लास है जो एक्सप्लॉयटेड क्लास है जो हम हैव नॉट्स बोलते हैं अभी दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर सिचुएशन उनको ये नहीं पता है कि दे आर बींग एक्सप्लॉयटेड उनको लगता है कि हाँ हमारी तो चलो किस्मत है हम यही काम कर रहे हैं एंड उनके बीच में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि हाँ हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं फाइन तो अभी उस नाम को उस कैटेगरी को इन्होंने बोला क्लास इन इट ये कौन सी क्लास है हु आर नॉट अवेयर ऑफ देर एक्सप्लॉयटेशन ये मैंने सारा उस अपनी क्लासेस में एक्सप्लेन किया रिवीजन सीरीज में, में दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ नॉट एक्सप्लॉयटेशन ठीक है इन्होंने कहा विद टाइम क्या हो जाएगा जो क्लास एंड इटसेल्फ है इनमें क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी एंड ये अवेयर हो जाएंगे कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है वी आर बींग एक्सप्लॉयटेड ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ये क्लास इट सेल्फ ट्रांसफॉर्म होकर बन जाएगा क्लास फॉर इट सेल्फ और ये एक ट्रू क्लास कैटेगरी होगी क्लास फॉर इट और जब ये हो जाएगा तो जो हैव नॉट्स हैं जिनको हम प्रोलिटेरियट्स बोलते हैं वो रिवॉल्व करेंगे एंड वो ओवरथ्रो करेंगे रूल ऑफ हैव्स को जिनको हम बर्जा भी बोलते हैं रूल ऑफ हैव्स और फिर सारा पावर किसके पास आ जाएगा हैव नॉट्स के पास तो ये कार्ल मार्क्स की पिक्चर थी क्लास की ठीक है तो आपको इसमें क्या याद रखना है उन्होंने क्या बोला था आपको क्लास के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड है एंड आपका हैवस uh, कौन है हैव नॉट्स कौन है फोर्स प्रोडक्शन अगर आपको क्लास कॉन्शियसनेस स्पीच में टर्म आ जाए कहीं पे क्लास इन इट्सल्फ क्लास फॉर इट सेल्फ लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्लास इन इट सेल्फ जो अवेयर नहीं है अभी अपनी एक्सप्लॉयटेशन के बाद में उनमें क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी वो अवेयर हो जाएंगे कि हाँ हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो वो बन जाएंगे क्लास फॉर इट सेल्फ और उसके बाद क्या होगा एक रिवॉल्ट होगा रेवोल्यूशन होगा और जो हैव नॉट्स हैं वो क्या करेंगे ओवर थ्रो करेंगे वो रूल ऑफ हैव्स को एंड अपना वो पावर जो है वो स्टेब्लिश करेंगे ठीक फिर उसके आगे वेबर देखते हैं वेबर ने क्या कहा था वेबर ने कहा हाँ ठीक है क्लास के बेसिस पे आपकी सोसाइटी स्टिस्फाइड है लेकिन सिर्फ क्लास के बेसिस पे नहीं है उन्होंने इसको थोड़ा कॉम्प्रेहेंसिव व्यू दिया था उन्होंने कहा था स्टेटस के बेसिस पे भी होता है एंड आपके पार्टी दैट इज य पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसके बेसिस पे भी क्लास स्टार्टिफाई होती है बस इसमें आपको ज्यादा नहीं याद रखना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ठीक है आपका ये तो क्लास तो चलता ही है जो आपका आपकी इनकम इक्वालिटी जो है सोसाइटी में उसके बेसिस पे आपकी क्लास होगी एंड आपका सोशल एस्टीम जो होता है ऑनर सोशल प्रेस्टीज उसके बेसिस पे भी आपकी सोसाइटी जो है अलग क्लास में डिवाइडेड होती है फॉर एग्जाम्पल एक आई ऑफिसर है ठीक है एंड कोई अब तो देखने को मिलता है जिनकी ये चाय वाले टपरी एंड ऑल जिनकी टपरिया हैं चाय वाले चाय वाले वगैरह तो अर्निंग इनकी बहुत ज्यादा होती है ठीक है जो ऐसे ऐसे आजकल स्टॉल्स लगा रहे हैं बाहर अर्निंग ज्यादा होती है आई ऑफिसर की एक लिमिटेड सैलरी है मानो एट्टी नाइनटी थाउजेंड उनकी सैलरी जो है स्टार्ट होती है ठीक है तो उतनी ज्यादा सैलरी भी नहीं ये तो महीनों का आजकल करोड़ों कमा रहे हैं ऐसे टपरी वाले भी हैं आप देखते हो सोशल मीडिया पे बीच में वायरल हो जाते हैं ठीक है तो ये जो चाय वाले हैं क्लास वाइज तो ठीक है इनकम इनकी ज्यादा है लेकिन स्टेटस वाइज सोशल एस्टीम वाइज आई ऑफिसर जो है उनका जो स्टेटस है वो ज्यादा ऊपर है एज कंपेयर टू दीज ठीक है क्योंकि वो आता है आपका वो कहाँ से डराइव होता है आपके सोशल एस्टीम से तो वो जो स्टार्टिफिकेशन है वो किससे डराइव होती है वो आपके स्टेटस से डराइव होती है आपके प्राइड से एंड सोशल एस्टीम से तो इन्होंने कहा सिर्फ क्लास आपका इकोनॉमिक ऑनर नहीं है आपके स्टेटस जो आपका सोशल ऑनर है वो भी डिटर्मिन करता है स्टार्टिफिकेशन एंड देन आप किस पार्टी की आइडियोलॉजी होल्ड करते हो वो भी डिटर्मिन करता है आपका सोशल स्टार्टिफिकेशन ये वेबर का बोलना था हमने और एक पढ़ा था यहाँ पे हमने और एक चीज देखी थी फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सार्टोफिकेशन जो किसने दी थी डेविस एंड मोरे ने ठीक है तो नाम से क्लियर हो रहा होगा थ्योरी ऑफ सार्टिफिकेशन है तो जो डेविस एंड मोरे है इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि ये क्या है फंक्शनल है सोसाइटी के लिए ठीक है पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो पहली बात तो आपको याद रखनी इन्होंने कहा सार्टिफिकेशन जो है वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए क्योंकि पर्सपेक्टिव फंक्शनल स्कूल को बिलोंग करते थे तो इन्होंने कहा आपको सोसाइटी में कोई पोजिशन होती हैं जो यूनिक होती हैं ठीक है ठीके? कोई इंपॉर्टेंट पोजिशन होती हैं सोसाइटी की और वो इंपॉर्टेंट पोजिशन कौन सी होती हैं पहली जो यूनिक होंगी दूसरी जिन पे बाकी पोजिशन डिपेंड करेंगी फॉर एग्जाम्पल आपका सर्जन है सर्जन हर कोई नहीं हो सकता ना सर्जन कोई अगर आपका नॉर्मल फिजिशियन है वो सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकता वो एक यूनिक पोजीशन है जो एक सर्जन ही कर सकता है सर्जरी किसी को ऑपरेट करना ठीक है तो वो यूनिक पोजीशन है एंड उस पर बाकी पोजिशन पे डिपेंड करती है फॉर एग्जांपल एक थिएटर में आप जाते हो वहाँ पे नर्सिस होती हैं वहाँ पे थिएटर असिस्टेंट होते हैं थिएटर असिस्टेंट होते हैं वहां पे एनस्टिस्ट होते हैं जो एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं तो इनके पास ऑल दो सारे टूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो बाद में सर्जन यूज करने वाला है लेकिन क्या सर्जन के बगैर ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं नहीं दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनका जो काम है वो एक सर्जन के काम पे डिपेंड करता है इसको इन्होंने बोला फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन होती है सोसाइटी में ठीक है डेविसन मोरे का कहना था तो डेविसन मोरे ने क्या कहा कहा ये जो फंक्शन फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन है तो सोसाइटी क्या करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिफिकेशन वो लेयरिंग कर देगी सोसाइटी के डिवाइड करेगी अलग अलग इसमें फिर तो जो जितना टैलेंटेड होगा ठीक है जिसके पास जितनी काबिलियत होगी उसको वो इंपॉर्टेंट पोजिशन मिलेगी तो सर्टिफिकेशन क्या करता है ये मेक sure करता है कि जो मोस्ट टैलेंटेड पीपल हैं वो फुलफिल करेंगे इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन को इसके लिए इन्होंने टर्म दिया था कीटर्म इफेक्टिव रोल एलोगेशन तो सर्टिफिकेशन क्या करवाता है इफेक्टिवली रोल एलोकेट करवाता है ये जो फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन है उनमें वो फिट करवाता है उन टैलेंटेड लोगों को अगर सोसाइटी सेटिफाइड ही नहीं है दैट मीन्स इन ही नहीं है सोसाइटी में हर कोई इक्वल है तो सर्जन भी सेम हो गया नर्स भी सेम हो गई ठीक है ये सारे लोग सेम ही हो गए तो फिर कैसे आप बोलोगे जो फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन है उनमें इन टैलेंटेड लोगों को कैसे फिट करोगे और ये जो टैलेंटेड लोग हैं ये दुनिया में कम है लेसर नंबर है ये लेस नंबर में एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए स्टार्टिफिकेशन होना जरूरी है ताकि ये जो लेस नंबर है वो फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन को फुलफिल कर पाए ठीक है तो ये इन्होंने कहा था डेविस एंड मोर ने सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन इनकी बुक का नाम है वो भी याद रख लेना सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन हाँ अगर आपको एग्जाम में एक ही नाम आता है ऑप्शन में किंग्सले डेविस भी लिखा होगा किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोर भी लिखा होगा तो you'll go with Kinsley Davis, ठीक है Otherwise, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों का है ठीक और इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिक जो है वो हमें दिया था मेलविन क्यूमिन टू, ने वो नाम भी आप याद रख लो क्यूमिन ने हमें क्या दिया था इसका क्रिटिसिज्म दिया था तो उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है कि जो पूल ऑफ टैलेंट है वो इतना कम नहीं है जितना आपको किन्सले डेविस और मोरे बता रहे थे टैलेंटेड लोग बहुत ज्यादा है एंड जो टैलेंटेड लोग हैं बाद में वो वो पोजिशन तो फुलफिल करते हैं लेकिन वो मेक श्योर sure करते हैं कि जो बाकी लोग हैं उनको वो पोजिशन ना मिले मतलब वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं बाकी लोगों पे कि जैसे एक सर्जन होगा ठीक है मैं एक सर्जन हूँ मैं किसी एसोसिएशन की बहुत बड़ी मेंबर भी हूँ तो मैं मेक श्योर sure करूंगी कि सारे लोग जो है वहां ना आ पाए मैं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगी कि वो जो पोजिशन है वो कुछ ही एलिट लोगों के पास ही रहे और वो मास के पास वो पोजिशन ना आ आ आए तो इन्होंने ऐसे करके थोड़ा नेगेटिव बताया था कि जो वेल विलबर्ट सॉरी डेविस और मूरे हैं उन्होंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि जो लोग एलिट पार्टिसिपेशन में ही इन चीजों को रखते हैं एंड जो टैलेंट का हमारे पास पूल है वो उतना कम नहीं है जितना ये लोग बोलते हैं तो ये मेलविन ट्यूमे ने इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म दिया था ये भी आप याद रख लेना तो ये थी थियरीज ऑफ सर्टिफिकेशन अब हम वापस चलते हैं तो थेरी तो सोशल स्टेटिफिकेशन इकोनॉमिक क्या कहा था सिर्फ क्लास के बेसिस पे है हैव एंड है फिर आपके फंक्शनलिस्ट थ्योरी बाय डेविसन एंड है तो इन्होंने क्या कहा था टैलेंटेड uh, लोगों की बात की थी फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन एंड इफेक्टिव रोल एलोकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया इफेक्टिव रोल एलोकेशन ठीक है, फिर वेबर वेबर का मैक्स वेबर का ट्रिनिटी मॉडल ट्रिनिटी मींस थ्री तो इन्होंने कहा क्लास के बेस पे चलो होती है, लेकिन सोशल एस्टीम के बेसिस पे सोशल ऑनर के बेसिस पे भी स्टैटरफाइड है सोसाइटी दैट मींस लेयर्स में डिवाइडेड है तो स्टेटस हो गया एंड योर पार्टी पोलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे भी डिवाइडेड होती है तो आगे चलते हैं अब क्लास बेस्ड सोशल सर्टिफिकेशन ठीक है अभी हम कास्ट बेस करेंगे अभी हम थ्योरीज पढ़ रहे थे उन थ्योरीज में हमने क्लास बेस थ्योरीज जो हैं, वो है वो डिस्कस करी हैं अब कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन की बात करते हैं पहले कास्ट देखते हैं स्पैनिश ऑरिजिन इसको बोला जाता है कहीं कहीं बुक पे आपको पोर्चुगीज भी मिलेगा कॉस्ट वर्ड या कास्टा वर्ड भी मिलेगा वहां से डिराइव हुआ है मतलब ए ब्रीड एंड लीनियज यूनिक है टू इंडिया जैसे क्लास के लिए हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल है इन वन फॉर्म ऑफ द अदर आपको क्लास सिस्टम जो है हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा एक जनरल डिविजन क्या है हाई क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास ये तो एटलीस्ट हर सोसाइटी में प्रेजेंट होगा

पुरुषोक्ता हिम एंड टेंथ मंडल ऑफ रिग्वेदा में ये बात प्रेजेंट थी कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया था और जो सर से निकले जो उनके हेड से निकले थे वो कौन थे ब्राह्मण्स ठीक है एंड जो उनके शोल्डर्स से निकले थे वो थे उनके क्षेत्रियास जो हाइज से निकले थे वो थे उनके वेश्याज़ या वेशवास भी बोलते हैं एंड जो फीट से निकले थे वो थे उनके शूद्रास इसको शोल्डर्स या आर्म्स भी कहीं पे लिखा होगा आपको ठीक है तो ये फोरफुल डिविजन इसको रिलीजन सैक्शन मिला है डिवाइन ऑरिजन भी ऐसा, है सर क्योंकि इनकी बुक्स में है पुरुषोक्ता हिम इन टेंथ मंडला ऑफ ऋग्वेदा यहाँ पे आपको याद रखना है जो अर्ली ऋग्वेदिक सिस्टम था वहाँ पे कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हेरिडिटरी नहीं था ठीक है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड होता था कि ये लोग प्रेयर्स वाला काम करेंगे क्षेत्र फाइटिंग वाला करेंगे वेशवास बिजनेस वगैरह करेंगे जो बाकी काम बचता है वो शूद्रास करेंगे दैट मीन इन तीन कास्ट को सर्व करना एंड बाकी लोमिनियल जॉब्स करना तो सिर्फ इस बात पे ये जो था एक डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे था लेकिन टुवर्ड्स लेटर वैद्य क्या हो गया रिजिड हो गया इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला आ गया कि आप जो ब्राह्मण है वो पुअर है बाकी जो है लोअर कास्ट जो है वो पोल्यूटेड है ठीक है ये भी आप यहाँ पे याद रखोगे फिर जो वर्ना सिस्टम है देखो कास्ट एंड वरना हम यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली हमारा जो फ्रेमवर्क प्रेजेंट है हिंदू रिलीजियस सोसाइटी का एक जनरल वो वर्ना सिस्टम पे बेस्ड है वर्ना एक संस्कृत ऑरिजिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर ठीक है तो वर्ना फोल्ड फोर्ड डिविजन करता है सोसाइटी का ये सोसाइटी को डिवाइड करता है चार इसमें जो हमने अभी देखे एक हो गया आपके एंड ठीक है तो फोल्ड डिविजन है एक फिफ्थ भी है जिनको अवरना बोलते हैं जो आउटसाइड एम्बिट ऑफ वर्ना सिस्टम इनको अवरना आउटकास्ट अनटचेबल्स या के सो कॉल दलित वो यहाँ पे फॉल करते हैं तो ये फोल्ड डिविजन है ये वर्ना हुआ देन जो ब्राह्मण है उसके अंदर भी आपको डिविजन देखने को मिलेंगे सब डिविजन्स फिर उन सब डिविजन्स में भी आपको डिविजन देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये एक ब्रॉड स्कीमा है ब्रॉड फ्रेमवर्क है और यहाँ से जो डिविजन्स निकलते हैं फिर ब्राह्मण के अंदर क्षेत्रियास के अंदर के अंदर वो आपके डिफरेंट कास्ट होते हैं जिनको हम इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं डिफरेंट जातीस तो जाति जो है वो इंडियन इक्विलेंट है किसका कास्ट का और इस डॉक्ट्रेन को जिसने चार इसमें डिवाइड किया है चार फोल्ड्स में हिंदू सोसाइटी को उसको बोला जाता है चतुर्वर्ण डॉक्ट्रेन ये था कास्ट बेस स्टार्टिफिकेशन कैसे हुई है सोसाइटी की अब हम क्लास बेस पे देखते हैं क्लास मैंने आपको बोला एक स्टेटस क्लास मैंने आपको कहा इसकी जो स्टार्टिफिकेशन है वो यूनिवर्सल है ठीक है इन वन फॉर्म ऑफ द अदर हर सोसाइटी में प्रेजेंट है एटली जो बेसिक है हाई क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास ये आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगी एक स्टेटस ग्रुप है आपके स्टेटस से रिलेटेड है ये भी मैंने आपको भी बताया आई ऑफिसर uh, की एग्जाम्पल लेके मॉडर्न सिविलाइज कंट्रीज जो है ये ज्यादा फॉलो करती है क्लास सिस्टम जैसे आपके प्रोफेसर डॉक्टर्स इंजीनियर सारे क्या है डिफरेंट क्लासेस में फॉलो करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो पहला है कि इट इज अ स्टेटस ग्रुप ठीक है आपका स्टेटस सोशल और ये आपका सोशल ऑनर सोशल प्रेस्टीज सोशल एस्टीम ये सारी चीजें बताता है एक अचीव स्टेटस है दैट क्लास आप अचीव कर सकते हैं अगर आप लोअर क्लास में भी पैदा हुए हो तो आपको क्या करना है आपको एक हाई इनकम जॉब चाहिए आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो हाई चांसेस है कि आपकी मोबिलिटी हो जाएगी एंड आप लो क्लास से हाई क्लास में चले जाओगे ठीक है ये अचीवड है लेकिन जहां पे हम कास्ट की बात करते हैं उसका जो स्टेटस है वो एस्क्राइब्ड होता है एस्क्राइब्ड का क्या मतलब हुआ वो बेसिस होता है आपके बर्थ पे जैसे आप शूदरा

अगर आप हाई क्लास के हो तो आपको अपने जो क्लास के लोग हैं उनके साथ इक्वलिटी फील होगी अगर आप लो क्लास के हो तो आपको अगर आप हाई क्लास के हो आपको लो क्लास के साथ क्या फील होगा कि मैं इनसे सुपीरियर हूँ अगर आप लो क्लास के हो आपको हाई क्लास के साथ क्या फील होगा कि मैं इनसे इन्फीरियर हूँ ठीक है एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज आपको क्लास सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा एक एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी भी है कि कम चांसेस हैं अगर आप हाई क्लास में हो तो ऐसा कुछ हो जाए और आप बिल्कुल ही जो है वो जमीन पे आ जाओ ठीक है अगर आप, आप आ, आ, जैसे आप अंबानी हो तो अंबानी के कितने चांस हैं कि वो एक लो क्लास में आ जाए अभी तो नील चांसेस है ना अनिल अंबानी इतना गरीब मतलब अनिल अंबानी का बिजनेस वैसा कुछ नहीं सब मुकेश अंबानी का है बैंक है वो लेकिन फिर भी लो क्लास में वो अभी भी फॉल नहीं करता है ठीक है तो एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी मिलेगा हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे वॉर हो जाए ऐसा कोई रेवोल्यूशन हो जाए इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाए तो आप जमीन पे आ जाओ दैट इज अ डिफरेंट थिंग मोड ऑफ लिविंग तो मोड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ स्टाइल है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका लाइफ स्टाइल वगैरह ये आपके स्टेटस से आता है और वो कहां से आता है आपके क्लास सिस्टम से ओपन ग्रुप है एंड इकोनॉमिक ग्रुप है इसको इकोनॉमिक ग्रुप भी बोला जाता है सोशल क्लास को ठीक है आपकी इकोनॉमी ऑल दो डिटर्मिन करती है लेकिन ये सोल रीजन नहीं है ओनली इकोनॉमी रीजन नहीं है ठीक है ओनली आपका जो इकोनॉमिक वैल्यू है आपकी सोसाइटी में सिर्फ वही आपकी क्लास डिटर्मिन नहीं करेगा मेजरली रिलेटेड आपके स्टेटस से है Again, अगर हम वही एग्जाम्पल ले लें अगर आपकी कोई टपरी है चाय की टपरी वगैरह इनका कोई वीडियो वायरल हो गया आप बहुत फेमस आ गया बहुत अमीर हो गए आपके पास पैसा आ सकता है आप हाई इनकम ग्रुप में फॉल कर सकते हो लेकिन जो स्टेटस आपको सोशल प्रेस्टीज आई एस ऑफिसर से अटैच है वो आपको कभी नहीं मिलेगा तो हाँ इकोनॉमिक ग्रुप भी हो सकता है पार्ट लेकिन सोल एक जो है वो रीजन नहीं हो सकता है आपके स्टेटस को पोजिशन स्टेटस डिटर्मिन करने का ठीक है तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा अभी तक हमने कास्ट uh, सिस्टम देखा कास्ट सिस्टम पे कैसे सोसाइटी स्टेटिफाइड है वो चार कास्ट वगैरह वो देखा हमने स्टार्टिफिकेशन की हमने थेरीज देखी ठीक है उस थेरीज में हमने क्या क्या देखा हमने वेबर की थियरी देखी जिन्होंने क्या कहा वेबर ने क्या कहा था कि आपकी जो सोसाइटी है वो उन्होंने हमें ट्रिनेटेरियन मॉडल दिया था थ्री मॉडल उन्होंने दिया था कहा था सिर्फ कास्ट के बेसिस पे आपकी सोसाइटी डिटर्मिन नहीं सिर्फ क्लास के बेसिस पे नहीं होती है आपकी जो सोशल स्टार्टिफिकेशन uh, है ये क्लास के बेसिस पे भी होती है एंड स्टेटस पे भी होती है एंड पार्टी पे भी होती है ठीक है फिर वेबर हमने कॉल मार्क्स देखा उन्होंने कहा सिर्फ क्लास के बेसिस पे होती है उसमें से आपको हैव्स एंड हैव नॉट्स मिलेंगे एंड हमने डेविस एंड मुरे की फंक्शनल थ्योरी देखी जिन्होंने क्या कहा फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन होती हैं तो इफेक्टिव रोल एलोकेशन की बात की थी एंड इनके क्रिटिसिज्म में हमने मेलविन ट्यूमन का नाम सुना तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका स्टार्टिफिकेशन की थियरीज थे भी और आपका साथ में क्लास सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो भी हमने देखे अब थोड़ी बहुत डिफरेंसेस देख लेते हैं ये मैंने अपने उन नोट्स में भी इंक्लूड किया था ये पर्टिकुलर है क्योंकि यूनिक टू इंडिया हम इसको बोलते हैं एंड यूनिवर्सल है मैंने कहा आपको हर सोसाइटी में इन वन फॉर्म ऑफ द अदर देखने को मिल जाएगा ठीक है फिर ये एस्क्राइब स्टेटस एंड अचीव स्टेटस की बात आ गई एस्क्राइब स्टेटस जो स्टेट्स आप ये करते हो अचीव करते हो जो स्टेटस आपको बाय बर्थ मिलता है अचीव नहीं वो अचीव स्टेटस होता है एस्क्राइब्ड हो गया जो आपको बाय बर्थ मिलता है जिससे कास्ट है आपका जिस कास्ट में पैदा होते हो वो आपका एस्क्राइब स्टेटस है देन क्लोज सिस्टम है मोबिलिटी की बात होती है ओपन सिस्टम है यहाँ पे आप मोबिलिटी कर सकते हो डिवाइन ऑरिजिन है ये सेक्यूलर है इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है और उसके हमने क्या बात किया हमें पुरुषोक्ता टेंथ मंडला ऑफ ऋग्वेदा प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी अटैच है कास्ट सिस्टम के साथ टूअर्ड्स लेटर वेदिक क्या हो गया हाई कास्ट जो है बोला वो इम्प्य वो प्योर है एंड जैसे जैसे योर यू यो गो डाउन द लैडर उसके बाद क्षेत्रीय आवेश फिर शूद्रा वगैरह वो उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी आप में एड होती जाएगी में फीलिंग ऑफ डिस्पेरिटी देखने को मिलेगी ऑन द पार्ट ऑफ मेंस इसमें आपको प्योरिटी इम्प्योरिटी जो है वो क्वेश्चन अराइज नहीं होता है इसमें बस आपको अपना आप क्या लगेगा थोड़ा वो सुपियोरिटी इन्फ्योरिटी वाली फीलिंग आएगी रेगुलेशन ऑफ रिलेशन होता है जो आपका कास्ट सिस्ट आपका ये है कास्ट सिस्टम वो रेगुलेट करता है आपके हर काम को कि रिलीजन हिसाब से आपको ये करना है कि नहीं रिलीजन वाइज आपको ये करना है कि नहीं आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपको क्या सूट करेगा यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ पे आपको रेगुलेट वैसे नहीं करता है आप थोड़े फ्री होते हो इन क्लास में एज कम्पेयर टू योर कास्ट बस ये क्या है जो हाई कास्ट वाले हाई क्लास वाले लोग हैं वो लो क्लास के साथ थोड़ा लो क्लास के लोगों के साथ अपना थोड़ा रिलेशन है वो लिमिट करके रखते हैं ग्रेटर सोशल डिस्टेंस है शूद्रा एक ब्राह्मण बन का सोच भी नहीं सकता लेसर सोशल डिस्टेंस है हाँ, अगर आप मिडिल क्लास में कहीं फॉल करते हो हाई हाई चांसेस आप कल को क्लास मेंबर बन सकते हो और आप में टॉलरेंस भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जैसे ब्राह्मण है वो शूद्रास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन यहां पे वैसा नहीं होगा यहां पे टॉलरेंस लेवल थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगी आपको बाकी क्लास के लोग भी बर्दाश्त हो जाएंगे फिर कास्ट सिस्टम जो है कास्ट सिस्टम जो है कंजर्वेटिव है और ये प्रोग्रेसिव है ठीक है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ये है ये एंडोगेमस है दैट मीन्स कास्ट वाले प्रेफर करते हैं अपने कास्ट के अंदर ही शादी करना एक ब्राह्मण चाहेगा ब्राह्मण के साथ ही शादी करना नॉट एंडमस इसमें ऐसा कुछ नहीं है ऑल तो इसमें भी आपको मिलेगा फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में हाई क्लास वाले ही जाएंगे फिर लोअर लोअर क्लास के बैकग्राउंड में शादी करने के लिए लेकिन इसके साथ हम एंडी एसोसिएट नहीं करते हैं इसके साथ वो बहुत ज्यादा जो है एंडोगी वो एसोसिएट होती है कास्ट के साथ कॉम्प्लेक्स है कितने सारे कास्ट आपको देखने को मिलेंगे ब्राह्मण के अंदर भी शूद्रास के भी अंदर भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेस ऑफ जातीज क्षूत्रा के अंदर वेरियस कास्ट आपको मिलेंगी जो उसमें भी लोअर हायर ऑर्डर होगा और एक दूसरे में वो आपस में डिस्क्रिमिनेट करेंगे सिंप्लिसिटी क्लास सिस्टम हाई मिडिल लोअर यही एक बेसिक सिस्टम है इसके डिविजन का फिर कास्ट कॉन्शियसनेस ये डेंजरस है टू डेमोक्रेसी क्योंकि कास्ट कॉन्शियसनेस आपको इनइालिटी बताती है कास्ट कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो खुद को एक कास्ट के साथ आप कॉन्शियस हो कि हाँ ये मेरी कास्ट है मैं इसको बिलोंग करता हूँ मुझे आप कुछ राइट्स दे दो तो इसी के बेसिस पे तो कहीं ना कहीं थ्रेट टू तो डेमोक्रेसी है लेकिन क्लास कॉन्शियस अगर यू आर कॉन्शियस ऑफ ए क्लास मैं हाई क्लास को बिलोंग करता हूँ तो उसका आपका नेशनल इंटरेस्ट और डेमोक्रेसी वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है ठीक है तो यहाँ पे इस चैप्टर का रिविजन खत्म होता है आप कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको क्लासेस वगैरह आपने देखी होंगी जो अलग अलग थिंकर्स ने दी हैं वो आपको मेरे क्लास के नोट्स में मिल जाएगा क्लास जो वीडियो लेक्चर्स है वहाँ से आप देख सकते हो बोटोमोर ने क्या डिवीजन दिया था एगिडेंस ने क्या डिवीजन दिया था वहां से आप याद कर सकते हो ठीक है रिविजन सीरीज में इतना ही कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट से थर्ड चैप्टर से विच इंस्टीट्यूशंस ठीक है इसमें फोक वेज मोर्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज वगैरह डिस्कस करनी है तो इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन बेसिकली होता क्या है ये आपको हेल्प करते हैं ये कॉम्पोनेंट ऑफ सोसाइटी है आप बोल सकते हो कॉम्पोनेट ऑफ सोसाइटी जो हेल्प करता है आपको मेंटेन करने में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी अब वो कैसे मेंटेन करता है ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी वो आपको बोलता है आपका ह्यूमन इंटरक्शन दैट मीन आपका पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन पैटर्न ऑफ बिहेवियर आपका एक्टिविटी मतलब आपका कंडक्ट एंड सोसाइटी कैसा होना चाहिए ठीक है वो वैसा होना चाहिए जैसे आपकी ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी सोसाइटी में मेटेन रही है आपके इंस्टीट्यूशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है ठीक है तो फैमिली आपको बताती है आपको अपने एल्डर्स से कैसे बिहेव करना है अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे बातचीत करनी है ठीक है अपने टीचर्स के साथ कैसे बात करनी है ये सारा जो प्रोसेस है ये आप अपनी फैमिली में सीखते हो किससे कैसे बात करनी है किसको कैसे ग्रीट करना है किसके साथ क्या तरीका है उठने बैठने का तो ये सारे जो इंटरक्शन एंड एक्टिविटी आप सोसाइटी में परफॉर्म करते हो जो आपको फैमिली सिखा रही है वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी अब अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहे और हर फैमिली में यही हो कि आपको पता ही नहीं हो फैमिली में बिहेव कैसे करना है तो सोसाइटी में ओवरऑल एक केओस से कॉन्फ्लिक्ट मच जाएगा या मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ वहां पे हम फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं ठीक है तो आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं साथ में आपको कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं सोसाइटी से सोसाइटी के लिए तो इन सब चीजों से क्या होता है आपको बताया जाता है कि सोसाइटी में आपको कैसे रहना है आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है ताकि सोसाइटी में एक ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहे वो होते हैं आपके उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन जो ये काम करते हैं तो आपका फैमिली रिलीजन एजुकेशन लॉ जो सारे आपको ये चीज़ें सिखाते हैं कि अपना बिहेवियर इंटरेक्शन एक्टिविटी सोसाइटी में कैसे रखो ताकि ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहे वो आपके इंस्टीट्यूशन है अब इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है सोशल कंट्रोल का वो आपको कंट्रोल करते हैं या आप बोल सकते हो आपको रेगुलेट करते हैं आपके काम को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है ठीक है तो वो कंट्रोल करने के उनके पास दो तरीके होते हैं तो फॉर्मली कर सकते हैं या तो वो इनफॉर्मली करते हैं फॉर्मली सोशल कंट्रोल कैसे पुट होता है जैसे आपकी गवर्नमेंट लॉ बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती है ठीक है तो फॉर्मल कंट्रोल होता है इनफॉर्मली सोसाइटी कैसे आपको रेगुलेट करती है थ्रू फोक वेज मोर्स या जो नॉर्म्स बने होते हैं सोसाइटी के वही सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है ठीक है तो आगे देखते हैं मैंने काफी डिटेल में और काफी अच्छे से लेक्चर आपको समझाया है वीडियो लेक्चर्स अगर आपको डिटेल में देखना है है ना आपके पास टाइम तो आप वो देख सकते हो एंड अगर आपने पढ़ लिया है या आपको शॉर्ट में देखना है, तो आप रिविजन सीरीज देखो इधर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा पहले देखते हैं नॉर्म्स देखो नॉर्म्स क्या होता है बेसिकली हर सोसाइटी जो होती है उसका कोई नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है हर सोसाइटी का एक नॉर्मेटिव ऑर्डर होगा एक पैटर्न होगा दैट मीन सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे कोई बिलीफ होगा फाइन वो चीजें जो होती हैं वो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उन्ही एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है बिहेव करो तो इनको बोला जाता है रूल्स एंड ठीक है जो सोसाइटी के होते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप वो फॉलो करो एंड वो रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन आपको कौन सिखाता है वो आपको सोशली आप पे इन्फोर्स होते हैं दैट मीन्स वो आपको थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी लाइफ के आपको तैयार किया जाता है ताकि आप सोसाइटी के जो रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट मीन जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के वो फॉलो करो इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑफ ग्रुप बिहेवियर ठीक है दैट कोई एक फ्रेमवर्क है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है सोसाइटी के जिसके अकॉर्डिंग आपको इस सोसाइटी में बिहेव करना है तो ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन भी इसको बोलते हैं वो क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल अ गुड सिटीजन अ गुड सिटीजन जो है ऑलवेज रेस्पेक्ट लॉ फाइन ये एक एक्सपेक्टेशन है ये एक नॉर्म है सोसाइटी का एंड ये एक्सपेक्ट किया जाएगा सारे मेंबर्स और सोसाइटी जो है वो इस नॉम को फॉलो करें वो इस नॉम को क्या करें इसी अकॉर्डिंग जो है बिहेव करें अगर आप अच्छे सिटीजन हो तो आपको क्या करना है आपको लॉज की रिस्पेक्ट करनी है ये सोसाइटी का एक रूल है सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड है और इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है आपको कोई लॉ जो है वो नहीं तोड़ना है सोसाइटी का ठीक है तो इसके टाइप्स में आता है बाद में फो फोक वेज एंड मोर्स जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ठीक है तो हमारा क्या टॉपिक था नॉर्म्स फोकवेज मोर्स एंड वैल्यूज तो ये जो नॉर्म्स है सोसाइटी के जिसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होता है रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन जो सोशली एनफोर्स होते हैं ये स्टैंडर्ड ऑफ गुड ग्रुप बिहेवियर इनके दो टाइप्स हैं फोकवेज एंड मोर्स वो हम आगे देखेंगे वो क्या होते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पहले नॉर्म्स के नॉर्म्स जो है वो यूनिवर्सल होते हैं नॉम्स वेरी करेंगे हर सोसाइटी का अलग नॉर्म हो सकता है लेकिन नॉम्स हर सोसाइटी में होंगे ठीक है हो सकता है आपकी सोसाइटी का अलग नॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी का अलग नॉर्म होगा ठीक है ईस्टर्न सोसाइटी अलग होती है वेस्टर्न सोसाइटी अलग होती है लेकिन कुछ ना कुछ नॉर्म्स जो है ये आपको हर सोसाइटी में मिलेगी नॉर्म्स आर रिलेटेड टू फैक्टुअल ऑर्डर देखो एक तो ये नॉर्मेटिव ऑर्डर होते हैं देट मीन रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी की होती है. यहाँ पे बात याद रखो वो जो नॉर्मेटिव ऑर्डर बना होता है दैट शुड बी क्लोज टू फैक्चुअल ऑर्डर ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्म बना दिया कि ऐसा कोई नॉर्म बना दो घर से जब सुबह निकलोगे हमेशा जो है पीछे के दरवाजे से निकला निकलना है स्टार्टिंग मतलब सामने के फ्रंट गेट से नहीं निकलना बना है ऐसा कोई नॉर्म बनाया तो वो कौन फॉलो करेगा तो ऐसा नहीं होता है जो भी नॉर्म्स होते हैं इनसे ऑनेस्टी हो गया इंटीग्रिटी फॉलो करो ऑनेस्टी फॉलो करो ठीक है यूनाइटेड रहो तो वो सारे जो नॉर्म्स हैं वो क्लोज होने चाहिए टू फैक्चुअल ऑर्डर वो ऐसी कोई भी नॉर्म नहीं होना चाहिए इन वैल्यू जजमेंट्स अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्म्स आप, है आपके सोसाइटी में क्या जो जेंडर्स हैं बुद्ध जेंडर्स मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट देते हो ऐसे नॉर्म्स बने हैं जो काम मेल्स कर सकते हैं फीमेल्स भी वही काम काम करेंगी ठीक है फीमेल भी वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे जिन एक्टिविटीज में मेल्स पार्टिसिपेट करेंगे ये आपकी सोसाइटी का नॉर्म है दैट मीन्स आपको इस नॉर्म से पता चलता है आपकी सोसाइटी की वैल्यू क्या है कि वहां पे जेंडर इक्वालिटी है कि आप दोनों जेंडर्स की इक्वल रेस्पेक्ट करते हो तो इसमें वैल्यू जजमेंट्स आपको पता चलती हैं रिलेटेड टू सिचुएशन एंड ग्रुप्स नॉर्म्स जो हैं चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो पुरानी सोसाइटीज थी उनके अलग नॉर्म्स थे ठीक है एंड ग्रुप्स के अंदर भी जो है अलग नॉर्म्स मिलते हैं आपको मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए अलग नॉर्म्स मिलेंगे मेल के लिए अलग नॉर्म्स मिलेंगे ठीक है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपकी सोसाइटी का पार्ट हो एंड देन आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हो उसके हिसाब से भी आपके जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाएंगे नॉट ऑलवेज ओबेड बाई ऑल ऐसा जरूरी नहीं अब है अब नॉर्म्स हैं तो वो हर कोई ही फॉलो करेगा कुछ लोग थोड़ा माइल्ड पनिशमेंट सह लेंगे लेकिन जरूरी नहीं वो हर कोई नॉर्म जो है वो फॉलो करे दे वेरी विद सेंक्शन आपको नॉर्म्स के साथ कुछ सैक्शन मिलेंगे सैक्शन क्या होता है रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट जो एसोसिएटेड होते हैं नॉर्म्स के साथ ठीक है अब जितनी अब अगर पनिशमेंट की हाँ पे एग्जाम्पल लें जितनी इंटेंसिटी होगी पनिशमेंट की उतना इंटेंसिटी का नॉर्म उसी इंटेंसिटी का नॉर्म होगा फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी भी एक नॉर्म होता है एक सोसाइटी का ठीक है अगर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप से मिलने जा रहे हो एंड आप लेट हो जाओगे तो पंक्चुअलिटी का एक नॉर्म ब्रेक हो गया तो वहां पे कोई इंटेंस पनिशमेंट नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप स्टील करते हो चोरी करते हो मर्डर करते हो तो वैसे नॉर्म्स अगर आप बिग वाले नॉर्म्स ब्रेक करते हो तो इंटेंसिटी ऑफ पनिशमेंट वैसे ही ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी के साथ आपके सेंक्शन के साथ वैरी करेंगे आपके नॉर्म्स normally internalized by the people and normally imbibe hote hain logo mein norms kaise through the process of socialization socialization jab aapko sikhaya jata hai what are the do's and don'ts of society aapko prepare kiya jata hai to be a good member of the society अगर आप violate करोगे norms तो that results in deviance deviance क्या होता है जब आप normal पाथ से हट के जाते हो ठीक है अगर आपका क्या है सोसाइटी में जैसे क्राइम है तो सोसाइटी जो है वो क्राइम फ्री होनी चाहिए क्रिमिनल ऐसे क्राइम एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में लेकिन आप क्राइम कर रहे हो तो आप क्या हो सोसाइटी के लिए डिवेंट हो या आपके घर का कोई नॉर्म होगा फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठने का कोई नॉर्म होगा आप वो ब्रेक करोगे तो अपनी फैमिली के लिए आप एक डिवेंट हो ठीक है तो नॉम्स हमारे पर्सनल भी हो सकते हैं सोशल भी हो सकते हैं पर्सनल नॉम नॉम्स होते हैं जो आप अपने लिए सेट करते हो फॉर एग्जाम्पल जो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो पर्सनल होते हैं जो सोसाइटी नॉम्स बनाएगी वो आपके लिए सोशल नॉम्स होंगे एसोसिएटेड नॉम्स होते हैं अगर आप किसी एसोसिएशन के पार्ट हो एंड बिंग अ पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन जो नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं वो आपके एसोसिएटेड नॉर्म्स होंगे ठीक है अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोक वेज तो ग्रहम ग्रहम विलियम ग्रह सामनर ने अब एक बुक लिखी थी फोक वेज उनमें उसने कहा था कि नॉर्म्स जो होते हैं उसमें आपको फोक वेज भी देखने को मिलेंगे एंड मोर्स भी देखने को मिलेंगे दैट मीन्स नॉर्म्स के दो टाइप्स होते हैं फोक वेज एंड मोर्स तो फोक वेज क्या होता है बेसिकली नाम से आपको पता चलेगा अगर आप नाम को ब्रेक करोगे फोक वेज वेज क्या हुआ आपका तौर तरीका आपके हैबिट्स और फोक क्या होता है नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल है ना आपकी सोसाइटी के जो मेंबर्स वगैरह होते हैं मास्टर्स उनके लिए आप फोक यूज करते हो वर्ड ठीक है तो इसको बोला जाता है इसको हैबिट्स ऑफ पीपल भी बोल सकते हो ग्रुप हैबिट्स भी बोल सकते हो तो बेसिकली होता क्या है फोक वेज ये जो आप रूटीन एक्टिविटी में काम करते हो और वो काम जो एक्सेप्टेड होता है फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ के सबको ग्रीट करना ये रूटीन एक्टिविटी में आपका चलता रहता है ठीक है तो जो एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर हैं जो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं जो सोशली अप्रूव होते हैं एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं फोक वेज फॉर एग्जाम्पल ईटिंग किस तरीके से खाना है ड्रेसिंग किस तरीके से करनी है दूसरों को ग्रीट कैसे करना है ये सारी चीजें आपके फोक वेज में आती हैं तो आप इनको बोलते हो रूटीन एक्टिविटी जो आप रूटीन में काम करते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगेन ग्रीट करना अपने एल्डर्स को ये आप स्पॉन्टेनियसली अब ये आपके अंदर इतना एम्बाइब हो गया कि हम अनकॉन्शियसली भी सड़क पे हमें कोई एल्डर दिख जाए हम उसको सलाम नमस्ते जो भी है करते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये एल्डर है हमें इसको जो है ग्रीट करना है तो वो जो रूटीन एक्टिविटी में हमारी हैबिट बन गई है उसको हम बोलते हैं फोक वेज तो अगर वो इंडिविजुअल्स भी करते हैं जैसे इंडिविजुअल्स वो रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे फिर इंडिविजुअल से आहिस्ता आहिस्ता वो क्या बन जाएगा ग्रुप एज ए ग्रुप वो आप एक्टिविटी जो है सोशली अप्रूव्ड एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे तो वो क्या उसको हम क्या बोलेंगे फोक वेज तो इसलिए इसको हैबिट ऑफ द ग्रुप बोला जाता है फोक के हैबिट्स ठीक है सिर्फ इंडिविजुअल के हैबिट्स नहीं फोक के हैबिट्स तो उनको हम क्या बोलते हैं फोक वेज तो जहां पे मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं स्लाइड्स पे वो सारी एग्जाम्पल्स एक बार देख लेना क्योंकि एग्जाम में कभी क्या होता है एग्जाम्पल आ जाएगी इन एग्जाम्पल से आपको बोला जाएगा कि ये फोक वे है मोर है नॉम है या क्या है ठीक है तो आपको एग्जाम्पल्स इसकी एक बार ही पता होनी चाहिए यहाँ देख लो वेन सोशली अप्रूव एंड नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी दे बिकम फोक वेज ठीक है किस तरीके से आपको बात करनी है किस तरीके से ग्रीट करना है किस तरीके से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए किस तरीके से आपको बात करनी है ये सारी चीजें आपके फोक वेज में आएंगी कि जो सोशली अप्रूव तरीका है जब वो एक ग्रुप एक सोशली अप्रूव तरीका फॉलो करना शुरू करेगा तो उसको हम फोक वेज बोलेंगे अप्रूव याद रखना क्योंकि किसी में हो सकता है कोई बैड हैबिट हो वो सोशली अप्रूव आदत नहीं होगी ठीक है वो फोक वेज नहीं है फोक वेज सोशली अप्रूव होने चाहिए कैरेटरिस्टिक स्पॉन्टेनियसली मैंने कहा स्पॉन्टेनियसली हमें अनकॉन्शियसली आ जाता है कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना है डेवलप आउट ऑफ ग्रुप बिहेव ग्रुप एक्सपीरियंस तो ये कैसे पास होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन थ्रू इंटरेक्शन हम पास करते हैं हमें सिखाए जाते हैं ठीक है जेनरेशन टू जनरेशन चेंज एस कल्चर चेंजेस ये इतने डीपली इनग्रेन नहीं होते हैं सोसाइटी में जैसे आपके कल्चर चेंज होते हैं आपकी वैल्यूज चेंज होती है आपके फोक वेज भी चेंज होते रहते हैं फॉर एग्जाम्पल पहले ग्रीट करना हम जैसे सलाम करते थे नमस्ते करते हैं ठीक है अब जब ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हम कैसे ग्रीट करते हैं टीचर्स को यूजली हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो ग्रीट करने का तरीका भी चेंज हो रहा है तो इसको बोला जाता है हमारे जो फोक वेज है वो कल्चर के साथ साथ चेंज हो जाते हैं हमारी ड्रेसिंग हैबिट हमारी टॉकिंग हैबिट जो है सारी चेंज होती हैं

फाइन तो कुछ फोकवे हो सकते हैं जिसमें माइल्ड आपको थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिल जाए आपको थोड़ा ग्रुप बॉयकआउट करना आपको फ्रेंड्स या सोशल सोसाइटी आपको थोड़ा टाइम के लिए बॉयकआउट करे माइल्ड टाइप की पनिशमेंट आपको दे सकते हैं लेकिन दे आर द वीकेस्ट नॉर्म्स मतलब ये अगर नॉर्म्स की पनिशमेंट्स की लेवल है अगर नॉर्म्स ब्रेक करने की तो जो यहाँ पे होगा वो आपका फोक वे होगा तो ये ब्रेक करने की आपको उतनी खतरनाक पनिशमेंट नहीं मिलेगी लेकिन जो मोर्स है अगर आप वो ये करते हो मोर्स को ब्रेक करते हो तो आपके लिए जो पनिशमेंट लेवल है वो ज्यादा बड़ा होगा तो यही मोकवेज और यही मोर्स और फोकवेज का डिफरेंस होता है आपस में वो कंटेंट पे वैरी नहीं करते आपको सेम एग्जाम्पल मिल जाएगी फोक वे में भी और मोर में भी लेकिन मोर में क्या होता है आपको पनिशमेंट जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है मोर्स में दे मे बिकम बर्डन सम क्योंकि काफी ज्यादा फोक फेज आपको फॉलो करने होते हैं तो आपके लिए वो बोझ बन सकते हैं मेनी फोक फेज मेनी हंड्रेड फोक फेज होते हैं सोसाइटी में ठीक है अब मोर्स क्या हो गया नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट आर प्रेस्क्राइब जब कोई प्रेस्क्राइब की जाती है चीज दैट मीनस वो फॉलो करना आपके लिए इम्पेरेटिव हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे डॉक्टर क्या करते हैं आपको दे प्रेस्क्राइब यू द मेडिसिन वो आपको सिर्फ सजेस्ट नहीं करते हैं कि मेडिसिन जो है वो आपको लेनी है आपको प्रेस्क्राइब करते हैं दैट मीन्स आपको वो लेनी है ठीक होने के लिए वैसे ही मोर्स जो है वो आपको फॉलो करने होते हैं फोक वेज वर्सेज मोर्स नॉट बाई कंटेंट बट बाय द डिग्री ऑफ कंपलशन ठीक है कंटेंट इनका सेम हो सकता है लेकिन वैरी कहाँ करते हैं कि मोर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं फोकस अगर नहीं करोगे उतनी ज्यादा आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी लेकिन मोर्स को वॉयलेट करने के लिए आप अट्रैक्ट कर सकते हो सीवियर पनिशमेंट एग्जाम्पल डोटी डोंट बी अब्यूजिव डोंट बीट योर वाइफ डोंट बीट योर हसबेंड ठीक है वो उनको नेगेटिव मोर्स बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिटरमिन मच ऑफ अर इंडिविजुअल बिहेवियर जैसे मोनोगी एंटी स्लेवरी प्रोहिबिशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोर्स की एग्जाम्पल्स भी हैं फाइन और अगर हम फॉलो करते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर भी बताएगा कि हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है हम इन चीज़ों को वैल्यू करते हैं आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद द ग्रुप आप जिस ग्रुप के मोर्स फॉलो करोगे आप खुद को आइडेंटिफाई करोगे उसी ग्रुप से ठीक है गार्डियंस ऑफ द सोशल सॉलिडारिटी ये गार्डियंस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी है क्योंकि अगर आपका कोई मोर है जैसे ऑनेस्टी इंटेग्रिटी ठीक है ऑनेस्टी आप उसको वैल्यू करते हो अब अगर सारे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो है वो ऑनेस्टी को वैल्यू करें और ऑनेस्टी को जो फॉलो करें तो उनके बीच में एक नेचुरल सॉलिडॅरिटी आ जाएगी आपको अच्छा लगेगा टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी आप लोगों में यूनिटी हो जाएगी क्योंकि आप सबको पता है सबके लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है सब लोग ऑनेस्टी फॉलो कर रहे हैं तो आपके बीच में एक बॉन्ड सा बन जाएगा सोशल कोहिजन यूनिटी बन जाएगी ठीक है उसी का मतलब वो एक गार्डियन होता है किसका सोशल सॉलिडॅरिटी का फिर वो आपके फो पेज एंड मोर्स का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं मैंने आपको कहा जो फोक वेज है वो हंड्रेड आपको मिलेंगे बहुत सारे तो ये वाइडर होते हैं मोर जनरल देन मोर्स मोर्स जो होते हैं ये इनसे कम जनरल होते हैं ठीक है वैल्यू जजमेंट अबाउट द फोक वेज मैंने आपको नॉर्म्स में जो बोला था ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्म्स मोर्स बेसिकली क्या है वो टाइप ऑफ नॉर्म्स ही है तो इससे आपको क्या पता चलता है आप फोक वेज की वैल्यू जो है वो डिटर्मिन कर सकते हो लेस रिजिड है मोर रिजिड एंड इफेक्टिव क्योंकि इसकी पनिशमेंट सीवियर होती है इसकी उतनी नहीं होती है दे आर नॉट एसोसिएटेड विद मॉरल याद रख लेना ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं डायरेक्टली क्या मोर्स आपके मॉरल से रिलेटेड होते हैं हाँ मोर्स आपको बताते हैं राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर क्या है लेकिन फोकवेज ऐसा कुछ नहीं बताता ये जनरल आपको हैबिट ऑफ ग्रुप बिहेवियर जो है सोशली अप्रूव्ड हैबिट क्या होती है ग्रुप बिहेवियर की वो चीज बताता है मॉरल moral, मॉरली uh, क्या राइट एंड रॉन्ग है वो चीजें फोक वेज में नहीं आती है फोकवेज आर लेस डीपली रूटेड क्योंकि इतने सारे जब फोकवेज हैं तो कितने ज्यादा वो स्ट्रांग होंगे है ना जब कम चीजें होंगी वही ज्यादा डीपली रूटेड होंगी ज्यादा चीजें जो होंगी वो उतनी डीपली रूटेड नहीं होती हैं मोर्स आर मोर डीपली रूटेड मे चेंज विद वन सोशल स्टेटस क्योंकि लेस डीपली रूटेड होते हैं तो एक किसी के स्टेटस के साथ चेंज होते रहते हैं वही फॉर एग्जाम्पल रेस्पेक्टिंग एल्डर्स या आप ग्रीटिंग एल्डर्स वाला देख लो तो नई नई अब जितना वेस्टर्नाइज हो रहे हो तो आप कैजुअल हो जाते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ उनको आप ग्रीट करना छोड़ देते जैसे हो जैसे एल्डर्स को करना चाहिए उस हिसाब से

ठीक है अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो आप क्या करोगे करप्शन तो जहां पे आप करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हो दैट किसी और के राइट right को आप करोगे इन अ वे तो वो रिलेटेड है आपके मोर्स से मोर्स जो होते हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं फोक वे से ऑब्वियसली सारा अभी तक उसका ये मैंने जो अभी तक आपको बताया ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी अगर आप मोर्स को जो है वायलेट करोगे ये मोर डीपली रूटेड होते हैं परमानेंट होते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा डोमिनेंट होंगे एंड जो लॉज होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट बनाती है वो बेसिकली क्या होते हैं वो कोडिफाइड मोर्स ही होते हैं दैट मीन्स ये जो मोर्स हैं, जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं सोसाइटी में जो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उनको एक रिटर्न फॉर्मेट में आप लेके आते हो और वही जाके कल को आपके जो है लॉस बनाते हैं जो गवर्नमेंट आपकी लॉज बनाती है अब लास्ट बचते हैं आपका वैल्यूज वैल्यूज़ क्या होता है आपके लिए क्या गुड एंड बैड है वॉट इज डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल वो बताता है आपकी वैल्यूज ठीक है ये प्रमोट करता है टॉलरेंस एम्पथी एंड अंडरस्टैंडिंग ये गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर कि किस चीज़ को कितना वैल्यू की जाती किया जाता है सोसाइटी में उस अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर जो है वो होना चाहिए ये प्रमोट करता है सोशल कोहेजन अगर सबके लिए सेम वैल्यू सब सेम वैल्यू को प्रमोट करते हैं तो उस सोसाइटी में क्या होगी सोशल कोहेजन होगी जैसे मैंने अभी पीछे ऑनेस्टी की एग्जाम्पल दी ये इनकरेज करता है पॉजिटिव बिहेवियर अच्छी वैल्यूज ही आपसे एक्सपेक्ट की जाती हेल्प्स टू कोप अप विद चैलेंजेस जैसे करेज ये भी एक वैल्यू है ब्रेवरी ये सारी जब चीजें आप सीखते हो अपनी लाइफ में तो आप चैलेंजेस को ओवरकम कर पाते हो ठीक अब नॉर्म्स एंड वैल्यूज में क्या डिफरेंस है नॉर्म्स जो है ज्यादा कंक्रीट एंड स्पेसिफिक होते हैं एंड वैल्यूज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कितनी सारी वैल्यूज है ना अगर मैं आपको काउंट करने के लिए बोलूँ तो कितनी वैल्यूज आप काउंट कर पाओगे तो ये कंक्रीट स्पेसिफिक नहीं होती है वैल्यूज जनरल होती हैं एंड नॉर्म्स जो होते हैं क्योंकि थोड़े नॉर्म्स होते हैं वो अः काइंड ऑफ परमानेंट स्पेसिफिक चीजें होती है ना जो गाइड करती है हमारे बिहेवियर को तो हम इनको कंक्रीट बोलते हैं अब देखो वैल्यूज क्या होती हैं व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड जो नॉर्म्स होते हैं वो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर गवर्न करते हैं कि हमें ये चीज़ बिहेव करनी ऐसे बिहेव करनी चाहिए या हमें वैसे करना चाहिए ठीक है ये नॉर्म्स होते हैं ये आपको प्रेस्क्राइब किए जाते हैं तो ये कंक्रीट होंगे कभी भी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ प्रेस्क्राइब कैसे हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो चीज़ खुद ही अभी काफ़ी डिफ्यूज फॉर्म में है वो कैसे आप किसी को प्रेस्क्राइब करोगे आप वही चीज प्रेस्क्राइब करोगे ना जो स्पेसिफिक हो या कंक्रीट हो ठीक ये मोर स्टैंडर्डाइज होते हैं एंड ये सब्जेक्टिव होते हैं सब्जेक्टिव होता है कि वैल्यूज होते हैं वो आपके अकॉर्डिंग चेंज आप कर सकते हो उसमें आपकी जब किसी चीज को सब्जेक्टिव बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हम उस चीज को कैसे देखते हैं उसमें हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होती है हमारे अपने वैल्यूज हो सकता है जो चीज़ मैं वैल्यू करूं वो आप वैल्यू नहीं करो ठीक है तो ये वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी एक कल्चर में भी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नॉर्म्स जो है ये भी विद इन द सोसाइटी चेंज होते हैं लेकिन दे आर मोर स्टैंडर्डाइज ठीक है ये इतना जल्दी आप हर इंडिविजुअल का अलग नॉर्म नहीं होगा लेकिन हर इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी के हिसाब से अलग वैल्यू हो सकती है दैट मीन्स उस इंडिविजुअल की अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हर सिचुएशन को कैसे वो इंटरप्रेट करता है कैसे देखता है उस अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है नॉम्स जो है ये इन्फ्लुएंस करता, करता है इन्फ्लुएंस होता है स्पेसिफिक बिहेवियर से या इन्फ्लुएंस करता है स्पेसिफिक बिहेवियर को मतलब ये गाइड करेगा हमारा बिहेवियर ठीक है और ये क्या करेगा ये ओवरऑल आउटलुक ऑन लाइफ जैसे वैल्यूज जो है वो एब्स्रैक्ट है क्योंकि तो ये हमें लाइफ का एक ओवरऑल आउटलुक देता है लेकिन नॉम्स जो होता है ये काफी स्पेसिफिक होते हैं और फाइनली जो वैल्यूज होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इंटू नॉर्म्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ऑनस्टी को वैल्यू करते हो अब आपको क्या करना है चूंकि आप ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हो आपको सोसाइटी के कामों में क्या करना है इसको इन्वॉल्व करना है अप्रिशिएट करते हो ऑनेस्टी को जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन में बिजनेस ट्रांजेक्शन में उसमें आप इस वैल्यू को डालोगे ठीक है या आपके डेली डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज आपके जो काम है आपके जो कॉन्वर्जेशन uh, है उसमें ऑनेस्टी मेंटेन करके रखोगे तो उन सब चीजों से क्या होगा ये जो ऑनेस्टी है ये सोसाइटी का एक नॉर्म बन जाएगी मतलब एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपके सामने आएगी ऑनेस्टी तो वैल्यू किस में बाद में ट्रांसफॉर्म हो सकती है हमारी ऑनेस्टी में तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका नॉर्म्स एंड वैल्यूज वाला ये इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर भी आई गेस ये यूनिट ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर अपलोड करने में मुझे दिक्कत आएगी तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट होगा यूनिट वन का उसमें हम ये चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे ठीक है तो जितना बड़ा यूनिट होगा ऑब्वियसली एक या दो पार्ट में हर यूनिट जो है वो कवर हो जाएगा ऐसा मुझे जा लग रहा है अदरवाइज मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में आपका एक यूनिट कवर करूंगी तो आपको इसमें एक चीज याद रख लें जहां पे हम फोक फोकवेज की बात करते हैं तो वहां पे हमने क्या देखा क्या की वर्ड्स देखे ग्रुप बिहेवियर ग्रुप हैबिट्स ऑफ ग्रुप ठीक है जहाँ पे हमने मोर्स देखे तो वहां पे हमने क्या देखा मॉरली राइट एंड रॉन्ग वाला कीवर्ड देखा मॉरली राइट रॉन्ग हमें पता चलता है जहां हमने वैल्यूज देखे तो वैल्यूज क्या थे गुड एंड डिजायरेबल क्या है हमारे लिए फाइन और जहाँ पे हमने नॉर्म्स देखे वो नॉर्मेटिव पैटर्न नॉर्मेटिव ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी देखा वहां पे तो ये कुछ कीवर्ड्स वर्ड्स है एसोसिएटेड जो आप इनके साथ जो है वो याद रखोगे समझ के ऑब्वियसली मैंने इतना डिटेल में आपको समझाया वीडियो लेक्चर में और अभी और रिविजन में भी तो ये चीज़ समझ के आप ये कीवर्ड इनके साथ याद रखोगे इसमें जो इस टाइप के जो एम इस चैप्टर से निकलते हैं वो यूजुअली वो इन्हीं इन्हीं कीवर्ड्स को पकड़ के आपके लिए एमसीक्यूज बनाते हैं ठीक है तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव हाँ अ ग्रेट डे